फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साउथ की सुपरस्टार प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है राधे श्याम, आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की रिव्यू को लेकर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी साउथ की फिल्मों को देखना पसंद करते हो और राधे श्याम फिल्म को हिंदी डब में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप लोग राधे श्याम फिल्म को देखना चाहते हो तो कब और कहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों यहाँ से बात करते हैं राधे श्याम फिल्म के बारे में। तो ये फिल्म 2022 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। ये मूवी यूवी क्रिएशंस और साथ ही टीसीएस द्वारा निर्मित की गई फिल्म है और इसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था और इस फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े ने अभिनय किए हैं। ये मूवी 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म है। विक्रम आदित्य की कहानी बताई गई है फिल्म के अंदर, जो एक हस्तरेख इंसान है जो कि नियत और साथ ही प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच फंस जाता है। अंदर विक्रम आदित्य प्रेरणा के प्यार में पूरी तरह से गिर जाता है। फिल्म का स्कोर एस थमन द्वारा रचित किया गया है। फिल्म के हिंदी और तेलुगु संस्करण के लिए दो अलग अलग साउंड रखे गए हैं। आपको बता दें मिथुन एन अमला मलिक और मनंजय भरद्वाज ने हिंदी गीतों की रचना की है, जबकि जो है जस्टिन प्रभाकर सर ने तेलुगु गीतों की रचना की है। छायांकन के बारे में हम बात करते तो मनोज जो है परमहंस द्वारा संभाला जाता है और संपादन कोटा गिरी वेंकटेश्वर राव द्वारा किया गया है। आपको बता दें फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई थी और जुलाई 2021 में हैदराबाद इटली और साथ ही जॉर्जिया शहर में इस फिल्म को फिल्माया गया था। अब आपको बता दें मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी। इस मूवी को कोविड-19 के कारण इसमें देरी हुई थी। राधे श्याम फिल्म को 11 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। इस फिल्म के प्रदर्शन के बारे में हम बात करें तो प्रदर्शन और उत्पादन मूल्यों की सराहना के साथ जो है, लेकिन इसकी पटकथा और कथन के लिए आलोचना भी किया गया है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही और आपको बता दें कथित तौर पर फिल्म जो है 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जो एक भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक नुकसान है। आपको बता दें राधे श्याम फिल्म की कल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर जो है इलेटी सर ने की थी और उन्होंने कहानी को विकसित करने के लिए अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ काम किया, लेकिन इस विचार को छोड़ दिया था क्योंकि यह इसे जो है निष्कर्ष देने में विफल रहे और राधा कृष्ण कुमार ने एलईटी से कहानी उधार ली और कहानी को संतोषजनक अंत देने के लिए 18 साल तक इस पर काम किया। बाहुबली मूवी की सीरीज 2015 से 2017 की शूटिंग के दौरान उन्होंने अभिनेता प्रभास को स्क्रिप्ट सुनाई दी। प्रभास सर को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए साइन अप किया था। उनके डायरेक्टर राधे कृष्ण कुमार सर ने कहानी को भारत के एक हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में करना चाहते थे। हालांकि प्रभास सर के सुझाव के बाद उन्होंने कहानी को यूरोप में ले गए और राधा कृष्ण कुमार ने साथ ही खुलासा किया है कि नायक जो है विक्रम आदित्य का चरित्र जो वास्तविक जीवन के यूरोप जो है यूरोप पे आधारित है। फिल्म के लिए जान और उनके साथ जो है डियर सहित जो है कई शीर्षकों पर विचार किया गया था, लेकिन निर्माता ने फिल्म के शीर्षक के रूप में राधे श्याम को अंतिम रूप दिया है। आपको बता दें इस फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था और इस फिल्म का पहला नाम स्थायी रूप से प्रभास 20 रखा गया था और साथ ही पूजा हेगड़े को प्रभास के साथ कास्ट किया गया था और हेगड़े ने फिल्म को ताजा और परिपक्व कहा और प्रेम कहानी कहा। अनुभव अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। फिल्म 1970 के यूरोप पर आधारित एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी 1978 में इटली में विक्रम आदित्य विश्व प्रसिद्ध जो यानी कि हस्तरेखवादी इंसान है, साथ ही हस्तरेखा विज्ञान के और साथ ही अंश 3 के रूप में ड्रॉप किया गया था। वहीं पे संत जो यानी कि परमहंस के शिष्य है विक्रम आदित्य, जो कि रोमांटिक रिश्ते में विश्वास नहीं करते हैं। तुरंत डॉक्टर जो है प्रेरणा के लिए प्यार में गिर जाते हैं और एक ट्रेन में वो दोनों मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जो है अलग हो जाते हैं। आपको बता दें एक दिन विक्रम आदित्य एक जो है महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ और साथ ही व्यवसायी जो है आनंद राजपूत की जो है राजपूत को हथेली पर रहा होता है, जब उसे यह पता चलता है कि विक्रम आदित्य भविष्यवाणी कर रहे होते हैं कि राजपूत जो है कि राजनेता नहीं हो सकता, क्योंकि राजपूत के लोग जो है उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जो उसका दुर्घटना हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां प्रेरणा काम कर रही होती है और वहां उसका जो है इलाज होता है। ठीक होने के बाद जो है विक्रम आदित्य प्रेरणा को उसके साथ जो है इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देता है।
प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है इस प्रस्ताव को सुनने के बाद और शहर छोड़ देती है, लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। फिल्म के अंदर वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है आखिरकार और वह उसे डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भी गहरी भावना विकसित नहीं करने देते, क्योंकि जबकि विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसे अपनी बेटी तारा एक महत्वाकांक्षी यानी कि धनुर्धर्धन की हथेली पढ़ने का अनुरोध करती है। वह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भविष्य नहीं है और उसे उसके बजाय जो इनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से जो है इनकी चकित होकर कोच में हर कोई जो है अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रमादित्य जो है हिचकिचाते हुए प्रेरणा के साथ जो है नीचे उतर जाते हैं। हालांकि उसे यह पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी की तत्काल मौत होनी तय है। हर कोई जो है वह उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन वेट जो है उस यानी कि शाम जो है बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिससे कई लोग जो है यानी कि हताहत मर जाते हैं और हस्तरेखा यानी कि शस्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा जो है विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने को कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उज्ज्वल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहने वाली नाक से तुरंत जो है बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी हैं और बताते हैं कि वह एक जो है लाइलाज ट्यूमर से पीड़ित है और महीनों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो सकती है। विक्रमादित्य सहमत है क्योंकि उन्होंने अनन्य और भविष्यवाणी की थी कि लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया था। प्रेरणा अब अपने जो है जीवन को लेकर जो है असीमित है और दूसरी ओर जो है उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज इंसान है और केवल दावा ही उसकी जो है किस्मत बदल सकती है। वह 5 यानी कि मृत लोगों की हथेलियों से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उन सभी को सही ढंग से काटते हैं और उसके चाचा अपना जो है मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करने लग जाते हैं। जब जो है प्रेरणा की बीमारी का इलाज जो है मिल जाता है तो साथी उत्साही प्रेरणा इन साथी विक्रमादित्य को प्रस्ताव देती है, हालांकि वह यह कहकर उसे अस्वीकार कर देते हैं कि वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जो है प्रेम रेखा नहीं है और वह जो है जल्द ही देश छोड़ देगा और निराश प्रेरणा आत्महत्या करने का प्रयास करती है। लेकिन विक्रमादित्य की जो है डायरी में आती है, विक्रमादित्य की डायरी पढ़ती है और उसे यह पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन जो है बलिदान करने के लिए तैयार था और विक्रमादित्य के जाने से पहले ही विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी जो इच्छा के अनुसार एक जो है कि बॉलरूम नृत्य में ले जाता है और उनके साथ युगल रात में साथी अंतरंग रूप से बताते हैं कि प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि वह वहाँ पे हार मान लेगी। अब विक्रमादित्य वहाँ से चले जाते हैं जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में है। डायरी में प्रेरणा के नोट पढ़ते हैं, वह अस्पताल को फोन करते हैं और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वह प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है और उसे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधाओं में होते हैं तो उसकी मुलाकात तारा से होती है, जिसने जो दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वह विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि अब उसकी जो है हथेली नहीं है, इसीलिए वह अपना जो है भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब जो है प्रेरणा से मिलने की जल्दी में है, एक जो है इनकी मालवाहक जहाज पर सवार होकर जो है इटली जाते हैं, जिसकी जो है कप्तानी एक व्यक्ति कर रहा होता है जिससे वह अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज जो समुद्र में तूफान की चपेट में आ गया है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज पर फंसा हुआ इंसान है और प्रकृति की शक्ति से अभिभूत जो विक्रमादित्य जो है अस्तित्व के संघर्ष कर रहे हैं, वह अपने गुरु जो है परमहंस के इसी दावे को याद करते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान केवल जो है 99% है और 1% लोग जो है ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं और जीवित रहने के लिए दृढ़ यानी कि संकल्प वह एक यानी कि उच्च बिंदु तक जो है पहुँचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक जो है भटकीला बंदूक जो है चलाता है। कप्तान एक जो है जीवन रक्षा और नौका के साथ जो है लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाता है और बाद में
विक्रम आदित्य अस्पताल पहुंचता है किसी भी तरह, और साथी जो है इनकी बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जो है जुड़ जाता है और उनकी शादी हो जाती है, जबकि जो है तारा और साथी पैरालंपिक जो है जीत जाते हैं और फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम राधेश्याम फिल्म की रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप लोग इस फिल्म को हिंदी में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। राधेश्याम फिल्म की कल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर एलईडी सर ने की थी। उन्होंने कहानी को विकसित करने के लिए अपने सहायक राधा कृष्णा कुमार के साथ काम किया, लेकिन इस विचार को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसे जो है निष्कर्ष देने में विफल रहे। राधा कृष्णा कुमार ने एलईटी से कहानी उधार ली थी और कहानी को संतोषजनक अंत देने के लिए 18 साल तक इस पर काम किया। बाहुबली सीरीज फिल्म 2015 से 2017 की शूटिंग के दौरान उन्होंने अभिनेता प्रभास को स्क्रिप्ट सुनाई थी और प्रभास को साथ ही स्क्रिप्ट पसंद आई थी और उन्होंने इसी प्रोजेक्ट के लिए साइन अप किया था। अब कृष्णा कुमार शुरू में कहानी को भारत के एक हिल स्टेशन की एक हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि पर सेट करना चाहते थे, लेकिन उसके बजाय इस फिल्म को विदेशों में शूट किया गया था। फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। प्रिंसिपल फोटोग्राफ फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई थी। राधेश्याम मूवी 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले यह फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी, हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी, लेकिन जनवरी की शुरुआत में यूबी क्रिएशंस ने घोषणा किया है कि साथी जो है इनकी ओमाइक्रोन संस्करण के कारण जो फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई थी कि यह फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में एक साथ रिलीज किया गया था। फिल्म के उपग्रह के बारे में हम बात करें तो उपग्रह अधिकार सभी भाषाओं में जी एंटरटेनमेंट और साथ ही एंटरप्राइजेज द्वारा हासिल किए गए थे, जबकि जो है डिजिटल वितरण जो है अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। जी न्यूज़ ने कहा है कि इस फिल्म ने स्क्रीन पर आने से पहले ही अपने जो है निर्माताओं को उपग्रह किया है और साथ ही डिजिटल अधिकारों से 200 करोड़ रुपए की भारतीय जो है राशि प्राप्त की है। फिल्म ने 1 अप्रैल 2022 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में प्राइम वीडियो पर जो है इनकी स्ट्रीमिंग शुरू की और इसकी हिंदी वर्जन जो है 3 मई 2022 को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध किया गया है। आपको बता दें, फिल्म के निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने पहले दिन जो है दुनिया भर में कुल कलेक्शन जो है 79 करोड़ की कमाई किया था। दूसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 40 करोड़ की कमाई की थी और जिससे दुनिया भर में ये फिल्म 2 दिनों की कमाई जो 119 करोड़ तक चला गया था और तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इस फिल्म ने तीसरे दिन इंडिया में 32 करोड़ की कमाई की, जिससे शुरुआती हफ्ता में फिल्म का 151 करोड़ तक चला गया था। और आईबी टाइम्स ने कहा है कि विदेशी केंद्रों में राधेश्याम फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन किया, जहां पे इसने जो है 3 दिनों के पहले ही हफ्ता में साथ ही वितरकों की हिस्सेदारी 6.9 करोड़ यूएसए के साथ 13.8 करोड़ तक चला गया था। 14 मार्च 2022 तक जो है फिल्म ने दुनिया भर में कुल 165.18 करोड़ की कमाई की थी। और साथ ही पिंक बिल्ला के जो है इनकी जतेंद्र सिंह ने लिखा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी आपदा है, क्योंकि फिल्म ने भारत में 4 दिनों में 99.50 करोड़ की कमाई किया है और फिल्म के लिए 125 करोड़ तक जो पहुंचना और भी मुश्किल हो गया। और साथ ही मेंस एक्सी ने कहा है कि प्रभास की नवीनतम फिल्म जो है 100 करोड़ रुपये से अधिक थी, अधिक के नुकसान के साथ जो है बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी आपत्तिजनक मूवी है और साबित हुई है, जो कि किसी भी भारतीय फिल्म के लिए पहली फिल्म है। निर्माता ने दावा किया है कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की है। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि अन्य अनुमानों ने फिल्म के विश्वव्यापी संग्रह को अब तक की 150 करोड़ रुपये से नीचे रखा है। तो दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस फिल्म ने अपने बजट को रिकवर नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम इस मूवी को पूरी तरह से रिव्यू करेंगे और बताएंगे फिल्म फ्लॉप क्यों हुई है। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राधेश्याम फिल्म को 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स रेटिंग मिला। इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग पर हम बात करते हैं, पब्लिक ने इस फिल्म को 4.5 की रिव्यू रेटिंग दिया है और इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, फिल्म को 300 करोड़ के बजट में बनाया गया था
और फिल्म ने दुनिया भर में 214 करोड़ से अधिक ही कमाई किया है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित नहीं हुई है। इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट पर हम बात करें तो फिल्म में प्रभास सर एंड पूजा हेगड़े ने अभिनय किए हैं और फिल्म के डायरेक्टर पर हम बात करें तो राधा कृष्ण कुमार सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखा है। और फिल्म के प्रोड्यूसर पर हम बात करें तो फिल्म को भूषण कुमार सर एंड उनके साथ प्रमोद सर एंड प्रसिदा सर ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किया है और फिल्म को टी सीरीज के बैनर के तहत बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे श्याम फिल्म 2022 की पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्णा कुमार द्वारा लिखित की गई और निर्देशित किया गया मूवी है। इस फिल्म को यूबी क्रिएशंस और टी सीरीज द्वारा निर्मित किया गया है और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था। आपको बता दें, इस फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े एक साथ अभिनय किए हैं जो 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म है। विक्रम आदित्य की कहानी को इस फिल्म में बतलाई गई है। इस फिल्म के अंदर विक्रम आदित्य की कहानी को बतलाया गया है जो कि एक यानी हस्तक्षेप इंसान है जो नियति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष बहुत ज़्यादा करता है। अब आपको बता दें, फिल्म का स्कोर एस थमन सर द्वारा रचा गया है। फिल्म के हिंदी और तेलुगु संस्करण के लिए दो अलग अलग साउंड तैयार किए गए थे। सबसे पहले मिथुन अमाल सर ने इस फिल्म के गाने को तैयार किया था और उनके बाद मनन भरद्वाज ने इस फिल्म की हिंदी गीतों की रचना की है, जबकि जस्टिस प्रभाकर सर ने तेलुगु गीतों की रचना की। और छायांकन की ओर हम कर तो मनोज परमहंस द्वारा संभाला गया है फिल्म के अंदर और संपादन कोटा गिरी वेंकटेश्वर राव द्वारा किया जाता है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफर अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और जुलाई 2021 में हैदराबाद इटली और जार्जिया शहर में इस फिल्म को शूट किया गया था। अब मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी फिल्म की, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई थी और राधे श्याम को 11 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और आलोचकों से प्रदर्शन और उत्पादन मूल्यों की सराहना के साथ जो है मिश्र समीक्षा प्राप्त हुई थी मूवी को। लेकिन इसकी पटकथा और कथन के बारे में हम बात कर तो आलोचना भी किया गया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया और कथित तौर पर 100 करोड़ से अधिक के नुकसान हुआ है मूवी को, जो एक भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक नुकसान है। आइए दोस्तों, जानते हैं राधे श्याम फिल्म की कहानी किस तरह से लिखी गई थी। राधे श्याम मूवी की कल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर सर ने किया था। येलेटी ने की थी। उन्होंने कहानी को विकसित करने के लिए अपने सहायक राधा कृष्णा कुमार के साथ काम किया, लेकिन इसी विचार को छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि वह इसे निष्कर्ष देने में विफल रहे। अब कृष्णा कुमार ने येलेटी से कहानी उधार ली थी और कहानी को संतोषजनक बनाया और अंत देने के लिए 18 साल तक इस पर काम किया है। और बाहुबली सीरीज मूवी 2015 से लेकर 2017 की शूटिंग के दौरान उन्होंने अभिनेता प्रभास को स्क्रिप्ट सुनाई थी और प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए साइन भी कर दिया था। अब आपको बता दें, राधा कृष्णा कुमार शुरू में कहानी को भारत के एक हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि से सेट करना चाहते थे, हालांकि प्रभास के सुझाव के बाद कहानी को यूरोप ले जाया गया था। अब राधा कृष्णा कुमार ने खुलासा किया है कि नायक जो है विक्रम आदित्य का चरित्र वास्तविक जीवन के यूरोपियन होगा। अब हस्तरेखवादी जो है यानी कि चीरों से प्रेरित है और फिल्म के लिए जान और ओ यानी कि डियर सहित जो है कई शीर्षकों पर विचार किया गया है, लेकिन निर्माता ने फिल्म के शीर्षक के रूप में राधे श्याम अंतिम रूप दिया है और फिल्म को अनौपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम जो है यानी कि स्थायी रूप से प्रभास के 20 यानी कि रखा गया था और पूजा हेगड़े को प्रभास के साथ कास्ट किया गया था मूवी के अंदर किया गया है। और पूजा हेगड़े ने फिल्म को ताज़ा और साथ ही परिपक्व प्रेम कहानी कहा है। आपको बता दें, अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। फिल्म 1970 के यूरोप पर आधारित मूवी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। आपको बता दें, फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शुरू किया गया है, लेकिन प्रिंसिपल फोटोग्राफी दोनों मूवी की इस फिल्म की 6 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई और फिल्मांकन हैदराबाद ट्यूरिन इटली में भी शूट किए गए थे और जॉर्जिया शहर में भी फिल्म को शूट किया गया है। अब 2022 में कोविड-19 महामारी कारण इसे निलंबित कर दिया गया और अक्टूबर 2020 में इटली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में कई दृश्यों की शूटिंग की गई और फिल्म का अंतिम शेड्यूल 25 जून 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ और फिल्मांकन 28 जुलाई 2021 को पूरा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे साउथ की सुपरस्टार प्रभास सर की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है राधे श्याम। इस फिल्म को रिलीज
रिलीज किया गया था 11 मार्च को, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस से विफल रही अपने बजट को रिकवर करने में, क्योंकि फिल्म से नुकसान हुआ है 100 करोड़ का और इस फिल्म ने अपने बजट को भी रिकवर नहीं किया है। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है और कई सालों के बाद हुआ है प्रभास सर के साथ कि इनका कोई मूवी फ्लॉप साबित हुआ हो। इस फिल्म के लिए हिंदी और तेलुगु संस्करणों के लिए दो अलग अलग साउंड एड रखे गए हैं। आपको बता दें हिंदी साउंड एड मिथुन और मनन भरद्वाज द्वारा रचित है, जबकि जस्टिन प्रभाकर शर ने तेलुगु संस्करण, तमिल, कन्नड़ और मलयालम संस्करणों के अलावा गीतों की रचना भी कर रहे हैं। मनोज जो है मुंतशिर और कृष्णकांत सर इस फिल्म में क्रोमांस हिंदी और तेलुगु साउंड एड के लिए गीत प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें राधेश्याम फिल्म 11 मार्च 2022 को सिनेमा गृह में रिलीज हुई थी। पहले दिन फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी, हालांकि भारत में COVID-19 महामारी कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और बाद में जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। लेकिन जनवरी की शुरुआत में यूबी क्रिएशंस ने घोषणा किया है कि वो जो है यानी कि ओमाइक्रोन संस्करण के कारण जो है फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई थी कि यह फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है और ये मूवी सेम इसी डेट पर रिलीज हुआ। फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था और फिल्म ने टाइट और अधिकारों की बिक्री से 210 करोड़ रुपये का पूर्व रिलीज यानी कि व्यवसाय किया है। आपको बता दें फिल्म के उपग्रह अधिकार जी एंटरटेनमेंट एंड चाती एंटरप्राइजेज द्वारा सभी यानी कि भाषाओं में हासिल किए गए थे, जबकि डिजिटल वितरण जो है अधिकार Amazon Prime Video द्वारा हासिल किए गए थे। और जी न्यूज ने कहा है कि इस फिल्म ने स्क्रीन पर आने से पहले ही अपने निर्माताओं को उपग्रह और डिजिटल अधिकारों से 200 करोड़ रुपए की भारी यानी कि राशि प्राप्त की है और यह फिल्म 1 अप्रैल 2022 को यानी कि उनके साथ जो है प्राइम वीडियो पर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में स्ट्रीमिंग हुई है। दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों से हटा के इस फिल्म को Amazon Prime में चलाया जा रहा है और हो सकता है कि साल भर या फिर 6 महीने में इसका बजट जो है रिकवर हो जाए। तो चलिए अब हम जानते हैं इस फिल्म की बजट क्या थी और मूवी ने अब तक कितनी कमाई किया है, क्योंकि यहाँ पे इसके सारे डिटेल हम लेके हाजिर हुए वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। अगर आप लोग राधेश्याम फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो वीडियो में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग इस फिल्म को देख चुके हैं तो इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकता हो। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को। तो फिल्म के उपग्रह अधिकार सभी भाषाओं में जी एंटरटेनमेंट एंड एंटरप्राइज द्वारा हासिल किए गए थे, जबकि डिजिटल वितरण अधिकार जो है Amazon Prime Video द्वारा हासिल किए गए थे। जी न्यूज ने कहा है कि इस फिल्म ने स्क्रीन पर आने से पहले ही अपने निर्माताओं को उपग्रह और डिजिटल अधिकारों से 200 करोड़ रुपए की भारी राशि प्राप्त किया है और फिल्म ने 1 अप्रैल 2022 को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में Amazon Prime Video में स्ट्रीमिंग हुई है। अब आपको बता दें मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में कुल जो है 79 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म की शुरुआत ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दूसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 40 करोड़ की कमाई की और जिससे दुनिया भर में ये मूवी दो दिनों की कुल कमाई 119 करोड़ हो गई थी। और तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की, जिससे जो है शुरुआती हफ्ता में 151 करोड़ की कमाई हुई। और आईबी टाइम्स ने कहा है कि विदेशी केंद्रों में राधेश्याम फिल्म ने यूएस बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जहां इसने जो है 3 दिनों में ही पहले हफ्ता में वितरकों की है और हिस्सेदारी 6.9 करोड़ रुपए के साथ जो है 13.8 करोड़ रुपए कमाए हैं। 14 मार्च 2022 तक फिल्म ने दुनिया भर में कुल जो है 165.18 करोड़ की कमाई की थी। और साथ ही पिंक बिल्ला के साथी जतेंद्र सिंह ने लिखा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी आपदा है, क्योंकि फिल्म ने भारत में 4 दिनों में सिर्फ 99.50 करोड़ की ही कमाई किया है और फिल्म के लिए 125 करोड़ तक जो है पहुंचना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसमें जो है कि मेंस एक्सपी ने कहा है कि प्रभास के साथ जो है कि नवीनतम फिल्म 100 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान के साथ जो है बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी यानी कि आपदाओं में से एक साबित हुई है, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए पहली फिल्म है। और निर्माता ने दावा किया है कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की है। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि अनुमानों ने फिल्म के साथ ही विश्वव्यापी संग्रह को अब तक जो 150 करोड़ रुपए से नीचे रखा है और फिल्म के हिंदी संस्करण ने 2 दिनों में केवल 9.5 करोड़ की ही कमाई की, जो कि साउथ फिल्म के तुलना में बहुत कम है। और रिपोर्टर्स बताती है कि फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई है और पहले दिन
पहले दिन फिल्म ने पहले ही यानी कि तीन दिनों में केवल 14 करोड़ कमाई किया था और नेट के साथ जो है फिल्म का हफ्ता खराब रहा और फिल्म ने अपने पहले सोमवार को 1.5 करोड़ जो है नोट किया था और ये फिल्म जो है यानी कि अपने साथ जो है संग्रह में भारी गिरावट दर्ज की थी। और कोई मूवी ने कहा है कि फिल्म के लिए शो को काफ़ी कम कर दिया गया है क्योंकि द कश्मीर फाइल्स को बड़ी संख्या में स्क्रीन अवेंटिक जो है मिली है। दोस्तों द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी भी हिट हो सकती है ये कोई सोच भी नहीं सकता था और ऐसी फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म जो है ज़्यादातर हिट ही हो जाते हैं क्योंकि ऐसी फिल्म में कुछ ऐसे चीज़ दिखाई रहते हैं जिसकी वजह से हिट होना ही है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे साउथ की सुपरस्टार प्रभास सर की ब्लॉकबस्टर मूवी राधेश्याम फिल्म को। अगर आप लोग राधेश्याम फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। फ्रेंड मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में बता रखा है तो प्लीज़ इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। तो इस फिल्म के रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करते हैं तो राधेश्याम फिल्म को डेकन होलार्ड ने कहा है कि समीक्षकों के आधार पर सकारात्मक के साथ जो है यानी कि फिल्म में मिलाया गया था और प्रदर्शन और उत्पादन जो है मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी फिल्म ने। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि समीक्षा मिश्रित थी और साथ ही DNN इंडियन और इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि समीक्षाओं को नकारात्मक में लिया गया था जिसमें जो है कहा गया था कि लेखन और कथन की आलोचना भी की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया है कि समीक्षाएं नकारात्मक थी। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने फिल्म को 3.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि प्रभास उर्फ यानी कि विक्रम आदित्य और पूजा हेगड़े उर्फ यानी कि प्रेरणा की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी दिखाई गई है फिल्म के अंदर और इन दोनों की प्यार यानी कि भाग्य को कैसे जीतता है। द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने दी फिल्म को 3.5 की रेटिंग और कहा हालांकि मुख्य जोड़ी एक साथ जो पसंद करने योग्य है और राधेश्याम जैसे महाकाव्य प्रेमियों के रूप में वास्तव में अस्वस्थ नहीं है। इसके बाद फिल्म का शीर्षक है टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि पूजा और प्रभास के बीच की मधुर केमिस्ट्री इसी प्रेम कहानी में एक बाधा है और साथ ही BFX एक जो है प्रशंसा का पत्र है और फिल्म की दुनिया और ये मूवी दुनिया और ये फिल्म की दृश्य यानी कि पुनर्वर्ता में जोड़ती है कि इस फिल्म ने जननी के इंडिया टुडे ने कहा है कि फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि प्रभास और पूजा हेगड़े की राधेश्याम में इसके आधार में काफ़ी यानी कि संभावनाएं हैं। हालांकि शानदार दृश्य है फिल्म के अंदर और प्रोडक्शन डिजाइन के अलावा फिल्म में आत्मा की कमी है। बिंग पिल्ला के एक समीक्षक ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि प्रभास कुछ दृश्यों में ईमानदार दिखते हैं लेकिन जब यानी कि लेखन विफल हो जाता है तो निराश दिखते हैं और थमन के पृष्ठभूमि संगीत में जो इनकी नवीनतम का अभाव है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे साउथ की सुपरस्टार प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है राधेश्याम। इस फिल्म को 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको हिंदी में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। इस वीडियो में हम इस फिल्म की रिव्यू को लेकर हाजिर हुए हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूं। अब इस फिल्म को एक डेकन क्रॉनिकल समीक्षक ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि शायद बेहतर और मजबूत लेखन राधेश्याम फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जा सकता था। साथ ही NDTV की सैवल चटर्जी ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि प्रभास और पूजा हेगड़े एक जो है पटकथा के साथ जो है दुखी दिखते हैं जो उन्हें यानी कि युद्धाभ्यास के लिए बहुत कम जगह दिया गया है। अंतिम परिणाम जो है यानी कि विपत्तिपूर्ण है। इंडिया होलार्ट के सीबी जया ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि द फ्रॉस्ट हाफ यानी कि द फिल्म एंड साथ ही कलात्मक और नेत्रहीन जो है कि तेजस्वी ही और दूसरी अवधि जो है कि सुडेटा चेहरे पर धीमी है और आपको बता दें जटिल है। भले ही फिल्म जो है वास्तव में ख़राब नहीं है फिर भी यह हमारे पैसे और समय को बर्बाद करने जैसा लगा। कोई मुई के उमेज है यानी कि पुनवानी ने दिया फिल्म को 1.5 की रेटिंग और उन्होंने लिखा है कि प्रभास का चरित्र विक्रम आदित्य एक यानी कि हस्तरेखवादी है जो अपने काम में इतना जो है बुरा है कि वह अपने जो है फिल्म के उबाऊ एंड भाग्य की साथी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने दिया है फिल्म को 1.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि प्रभास स्टारर जो है कि हमसे उम्मीद करते हैं कि हम
यानी कि निगल, हुक, लाइन और इतने जो है सारे जो है इतने सारे जो है कि सिंगर्स, और हम लगातार हमारे जो है जबड़ों को फर्श से हटा रहे हैं। द हिंदू की समीक्षा देवी दंडू ने कहा, एक उतली कहानी है मूवी के अंदर और कमज़ोर पटकथा राधे श्याम को एक यानी कि बहुत यानी कि बड़ा बोर बनाता है मूवी को। हिंदुस्तान टाइम्स की साथी मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा, प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म जो है रोमांस, गाने और साथ ही बी एफ यानी कि भव्य और साथ ही आउट होर्स ने भरी हुई है, लेकिन बहुत अधिक जो है इनकी तर्क है या फिर अच्छा लेखन नहीं है। न्यूज 18 के सुनील यानी कि डेढ़िया ने कहा है कि प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत जो फिल्म बड़े बजट के उन यानी कि प्रयासों में से एक के रूप में समाप्त होती है, जो एक ही समय में यानी कि अत्याधिक और महत्वाकांक्षी और साथ मूर्खतापूर्ण मूवी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस मूवी की रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिला था बॉक्स ऑफिस में, इन सब चीज़ों की रिव्यू इस वीडियो में हम करके आप लोगों को बता रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी राधे श्याम फिल्म को, और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए, इस फिल्म की कहानी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं। फिल्म की कहानी 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध यानी कि हस्तरेखवादी इंसान है। हस्तरेखा विज्ञान के साथ ही उनके साथ जो आइंस्टीन के रूप में ड्रॉप किया गया, वह संत और साथ ही परमहंस के शीर्ष हैं, और साथ ही विक्रमादित्य जो कि रोमांटिक रिश्ते में विश्वास नहीं करता है, तुरंत जो है डॉक्टर और साथ ही प्रेरणा के लिए गिर जाता है प्यार में। एक ट्रेन में मिलते हैं दोनों, लेकिन उसके बाद जो है यानी कि अलग हो जाते हैं। एक ही दिन जो है विक्रमादित्य एक जो है व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है, और विक्रमादित्य अपने जो है पक्ष में भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी नहीं कर पाता है, इसीलिए राजपूत के लोग उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसका दुर्घटना हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहाँ जो है प्रेरणा काम कर रही होती है, और वहाँ पर उसका जो है इलाज होता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य ने प्रेरणा को उसके साथ जो है छेड़खानी करने का प्रस्ताव किया। प्रेरणा हालांकि अपमानित महसूस करती है, उसके बाद अवर शहर छोड़ देती है, लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करता है। वह अंत में उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वह एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भी गहरी यानी कि भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी तारा एक यानी कि महत्वाकांक्षी और साथ ही धनुर्धन की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वह भविष्यवाणी करता है कि साथ ही खेलों में उसका कोई भी यानी कि भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय जो यानी कि शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से चकित होकर उन्होंने हर कोई अपनी हथेली दिखाकर जो भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य जो है कि हिचकिचाता है कि साथ जो है प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चल जाता है कि ट्रेन में हर किसी की यानी कि तत्काल मौत होनी तय है। वह इसे जो है रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन वह व्यर्थ उस यानी कि शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिससे कई लोग जो है यानी कि हताहत हो जाते हैं, और हस्तरेखा यानी कि शस्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा और विक्रमादित्य से उसकी जो है हथेली पढ़ने को कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल और भविष्य के साथ जो है उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहने वाली नाक से तुरंत जो है बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी इस फिल्म में है। प्रेरणा के बेहोश होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर है इस फिल्म के अंदर, और बताते हैं कि वह एक यानी कि लाइलाज ट्यूमर से पीड़ित है और महीनों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो सकती है। और विक्रमादित्य यानी कि सहमत है क्योंकि उन्होंने उनके साथ जो अन्य था और साथ ही भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल में बाहर निकाल दिया गया था। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर साउथ की सुपरस्टार
प्रभास सर की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है राधेश्याम और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है और फिल्म में प्रेरणा अब अपने जीवन को लेकर आसन यानी कि आशा नवीत है। दूसरी और उसके चाचा का मानना है कि विक्रम आदित्य एक धोखेबाज इंसान है और केवल दावा ही उसकी किस्मत बदल सकती है। वह 5 मृत लोगों की हथेलियों से विक्रम आदित्य का परीक्षण करते हैं और विक्रम आदित्य उन सभी को सही ढंग से जो है यानी कि काटते हैं और उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रम आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करने लग जाते हैं। जैसे कि उम्मीद थी प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया और खुशी से भरी प्रेरणा जो है विक्रम आदित्य को प्रपोज करती है। हालाँकि उसने उसे यह कहते हुए एक जो है खारिज कर दिया कि वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वह जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुखित के साथ जो है आत्महत्या करने का प्रयास करती है लेकिन विक्रम आदित्य की डायरी में आती है और उसे पता चलता है कि विक्रम आदित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रम आदित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक जो है यानी कि बाल रूम मृत्यु में ले जाता है और युगल रात को यानी कि अंतरंग रूप से जो है बताते हैं कि प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ देती है और ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह जो है कि सविस्ता से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रम आदित्य जो अपनी मां के डांस शो के लिए लंदन में है और डायरी में प्रेरणा का नोट भी पढ़ता है। वह अस्पताल को फ़ोन करता है और प्रेरणा की हाल यानी कि जानकार हैरान हो जाता है। वह प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है और उससे जल्द ही मिलने का वादा करता है। जब विक्रम आदित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर जो है कि दुविधा में होता है तो उसकी जो है मुलाकात ट्रेन में उस लड़की से होती है जिसने दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया था ट्रेन की दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वह विक्रम आदित्य से कहती है कि क्योंकि अब यानी कि उसकी हथेली नहीं है और इसीलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रम आदित्य जो कि अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में है एक जो है कि मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाता है जिसकी जो है कि कप्तानी एक जो है व्यक्ति करता है जिससे वह अस्पताल में मिला था। हालाँकि जहाज जो समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज़ को छोड़ देते हैं। हालांकि विक्रम आदित्य अकेले जहाज़ में फंसा हुआ है और प्रकृति की शक्ति से अभिभूत जो है कि विक्रम आदित्य जो है कि अस्विस्त के लिए संघर्ष करता है। वह अपने गुरु यानी कि परमहंस के इसी दावे को याद करता है कि हस्तरेखा विज्ञान केवल जो है 99% यानी कि स्टिक होती है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवन यानी कि जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प वह एक यानी कि अच्छी बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी जो है सारी ताकत का उपयोग करता है और एक जो है कि भटकीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जो है जीवन रक्षक नौका के साथ जो है लौट आता है। जहाज जो है डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रम आदित्य तैरने में सफल हो जाता है। बाद में विक्रम आदित्य अस्पताल पहुंचता है और उनके साथ जो है इनकी ब्राह्मण प्रेरणा के साथ जो है फिर से डूब जाता है और उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पुरालिपिक जो है इनकी जीत जाते हैं और फिल्म को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों फिल्म की कहानी एक अच्छी होने के बाद भी फिल्म ने अपने 100 करोड़ का नुकसान का सामना किया है। फिल्म को बनाया गया था 350 करोड़ के बजट में और फिल्म ने 150 करोड़ से लेकर 214 करोड़ तक की कमाई किया है। आपको बता दें फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है पूजा हेगड़े और प्रभास सर। फिल्म को राधा कृष्णा कुमार ने डायरेक्ट किया। फिल्म की कहानी भी राधा कृष्णा कुमार सर ने ही लिखी। दोस्तों इस फिल्म को अभी अमेजन प्राइम में रखा गया है। अब देखेंगे वहाँ से फिल्म कितनी कमाई कर पाता है और अपने इस बजट को रिकवर करेगा या नहीं। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो और इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जब मूवी रिलीज होगी तो इसकी कहानी जो है खुलकर सामने आएगी। दोस्तों इस फिल्म की फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं तो मूवी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। आप लोगों को पता है प्रभास सर की जो भी फिल्म आता है ऑडियंस में बूस्ट दिलाने के लिए इनका नाम ही काफ़ी होता है और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित होगी।
इस फिल्म को लव स्टोरी के तौर पर बनाया गया है। इस फिल्म में प्रभास सर विक्रमादित्य का किरदार निभा रहे हैं और पूजा हेगड़े इस फिल्म में प्रेरणा डॉक्टर के किरदार में नजर आएगी। भाग्यश्री का नाम इस फिल्म में भाग्यश्री होगा और कृष्ण नाम राजू इस फिल्म में साथ ही परमाहना तेलुगु में नजर आएंगे। साथ ही जगपति बाबू सहायक भूमिकाओं में होंगे, सचिन खेडेकर सहायक भूमिकाओं में होंगे, साथ ही प्रियदर्शी सहायक भूमिकाओं में होंगे, मुरली शर्मा सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे, कुणाल रॉय सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म को 2022 में अब स्थगित कर दिया गया है। पहले तो इसकी डेट जो है 14 जनवरी 2022 में ही रखी गई थी, लेकिन मूवी को फिर से रोक के और इस फिल्म को अभी फाइनल डेट जो है अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। और इस वीडियो में हम इस मूवी की कुछ ऐसी अनसुनी फैक्ट को बताएंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इस फिल्म के जितने भी गाने हैं हिंदी वर्जन में एंड साथ ही तेलुगु वर्जन में डब करके रिलीज किए जाएंगे। संचित बहल हार इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं और साथ ही तेलुगु वर्जन में भी रिलीज किए जाएंगे। यू टीवी क्रिएशन इंसार्टी टी सीरीज के बैनर के तहत इस फिल्म को आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं प्रभास सर की फिल्म राधे श्याम को, जिसे 2022 में अब रिलीज किए जाएंगे हिंदी डब एंड तेलुगु में। इस फिल्म को एक साथ रिलीज किया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म की डायरेक्टर के बारे में, राधा कृष्ण सर के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखे हैं, और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म की कहानी जो है किस तरह से लिखी गई है। इस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी जो कहानी है वो काफ़ी ओल्ड है, जो 1984 की कहानी को इस फिल्म में बतलाया गया है। साथ ही 2007 में एंड 2009 में 2013 में कई तरह के बातें इस फिल्म से जुड़ा हुआ है, जो इस वीडियो में एक्सप्लेन करके हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। राधा कृष्ण कुमार के बारे में हम बात करें तो ये अब तक जो है कई सारे फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इनकी कुछ फिल्में हैं जो तेलुगु सिनेमा एंड हिंदी में भी इन्होंने डब करके मूवीज को रिलीज किए हैं। 2007 में इन्होंने प्रिया नामम फिल्म को रिलीज किए थे और इसी तरह कई सारे फिल्मों को अब तक जो है डायरेक्ट कर चुके है। और इनकी बायोग्राफी के बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, हम सीधे बात करते हैं इस फिल्म के स्टारकर प्रभास सर के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अभिनय किए हैं। प्रभास सर की अब तक जितनी भी फिल्में आई है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। आप लोग को बता दूं कि इनको सबसे ज़्यादा सफलता बाहुबली एंड बाहुबली 2 फिल्म से मिला है। उसके बाद इनका जितनी भी फिल्में रिलीज हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा सफल साबित हुए हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं राधे श्याम फिल्म को, इसे अभी रिलीज नहीं किया गया है। तो चलिए प्रभास सर के बारे में अब हम कुछ अनसुनी फैक्ट को जानते हैं और बतलाते हैं प्रभास सर अब तक कितने फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और इनका बॉलीवुड में एंड टॉलीवुड में अब तक कितने सारे अवार्ड मिले हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग को ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले प्रभास सर के जन्म के बारे में बातें करें तो 23 अक्टूबर 1979 में इनका जन्म हुआ था और इनका एज 42 साल के ये हो चुके हैं। दोस्तों बाहुबली फिल्म आपको याद होगा, इस फिल्म से इनको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली है और काफ़ी ज़्यादा इनको पहचान भी हासिल हुए हैं, क्योंकि बाहुबली जैसी फिल्म जो है अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। प्रभास सर के जन्म 23 अक्टूबर 1979 में हुआ था, जिन्हें प्रभास के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में इनको शामिल किया गया है। प्रभास सर ने अपनी आय और लोकप्रियता के आधार पर 2015 से 3 बार फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सूची में नजर आ चुके हैं। उन्हें 7 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं, 6 नामांकन प्राप्त हुए हैं और वह यानी नंदी पुरस्कार और सीमा पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है। प्रभास सर ने अपने अभिनय की शुरुआत 2002 के तेलुगु नाटक ईश्वर से की और बाद में रोमांटिक एक्शन फिल्म वर्षाम 2004 के साथ अपनी सफलता हासिल की। उनकी उल्लेखनीय और साथ ही रचनाओं में छत्रपति 2005 और साथ ही जो है बुज्जी गाडू 2008 और बिल्ला फिल्म 2009 में इन्होंने किया था, डार्लिंग फिल्म 2010 और साथ ही मिस्टर परफेक्ट मूवी 2011 में और मिर्ची फिल्म 2013 में इनका शामिल है। उन्होंने मिर्ची में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य नंदी पुरस्कार इनको मिला था। 2015 में प्रभास सर ने एस राजा मौली की महाकाव्य एक्शन फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग में शीर्षक भूमिका निभाई, जो अब तक की 34 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और बाद में उन्होंने इसके सीक्वल बाहुबली 2 कंक्लूजन 2017 में अपनी भूमिका दोहराई, जो कि केवल 10 दिनों में सभी भाषाओं में 1000 करोड़ को पार कर लिया था और इसमें कन्वर्ट करते तो 165 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली
पहली भारतीय फिल्म बन गई है और दूसरी सबसे बड़ी अब तक की कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और फिल्मों में अभिनय के अलावा प्रभास सर साथ ही महिंद्रा और साथ ही TUV 300 करोड़ के ब्रांड एम्बेसडर भी है और साथ ही एक मैडम तुसाद के साथ ही मोम और साथ ही संग्रहालय में मोम की मूर्ति प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं राधे श्याम फिल्म के बारे में और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग प्रभास सर के फैन हैं और इनके मूवीज को आप लोग देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम राधे श्याम फिल्म के बारे में कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। राधे श्याम फिल्म को अभी रिलीज नहीं किया गया है और इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं। इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। प्रभास सर का जन्म फिल्म निर्माता उपलीप सूर्य नारायण के घर में हुआ था। राजू और शिव कुमार के घर में इनका जन्म हुआ। तीन बच्चों में सबसे छोटे उनका एक भाई और साथ ही प्रबोध और एक बहन है। अपने भाई बहन में सबसे छोटे हैं वह तेलुगु अभिनेता कृष्णम राजू के भतीजे हैं। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में रहता है और साथ ही भीमा वरम के पास यानी कि मेघलथुर का रहने वाला है। उन्होंने अपने साथी इंटरमीडिएट की शिक्षा जो है लंदन कॉलेज हैदराबाद में पूरी की और वह जो है यानी कि सत्यानंद फिल्म स्थान और साथ ही विशाखा पातम के पूर्व छात्रा भी रह चुके हैं। फिल्म एक निरंजन के ऑडियो रिलीज के दौरान कंगना रनौत और अल्लू अर्जुन पूरी जगन्नाथ और साथ ही जो है यानी कि आदित्य नारायण के साथ जो है प्रभास सर बाएं में खड़े थे और प्रभास सर ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 2002 में ईश्वर मूवी के साथ की थी जिसे 2003 में वह जो है राघवेंद्र में मुख्य भूमिका में थे। 2004 में वह जो है वर्षाम और साथ ही अदावी रामुडू में दिखाई दिए थे जिसे 2005 में रिलीज किया गया था। वह जो है चक्रम में और साथ ही SS राजा मौलीधारा निर्देशित फिल्म जो है छात्रपट्टी में दिखाई दिए थे जिसमें उन्होंने गुंडोधारा साथ ही जो है सोशियत एक जो है यानी कि शरण एक जो है शरण नाथी की भूमिका निभाई थी। यह जो है 54 केंद्रों में 100 दिन तक जो है चला था और साथ ही idealbrain.com ने कहा है कि इस स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति में उनकी जो है अनूठी और साथ ही शैली और साथ ही मर्दाना आकर्षण था। बाद में उन्होंने पूर्णता में साथ ही जो है योगी और साथ ही मुन्ना में अभिनय किया था जिसे 2007 में एक एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसके बाद 2008 में एक्शन कॉमेडी यानी कि बुजी गाडू आई थी जिसे 2009 में उनकी दो फिल्में बिल्ला और एक जो है यानी कि निरंजन थी और इंडिया गिलेज ने बिल्ला फिल्म को स्टाइलिश और साथ ही दृष्टि से साथ ही समृद्धता कहा था। 2010 में वह रोमांटिक कॉमेडी डार्लिंग फिल्म में दिखाई दिए थे। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2.5 स्टार की रेटिंग दी है और जिसमें जो है बताया गया है कि निर्देशक जो है यानी कि करुणा करण अपने और अभिनेताओं के साथ जो है अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन एक ताज़ा और साथ ही कथानक के साथ जो है नहीं आ सकते हैं। ऐसा लगता है कि निर्देशक जो है यानी कि वास्तव में अपने थोली और साथ ही प्रेमा हैंग ओवर से बाहर नहीं आए हैं। वह अभी तक एक और भी यानी कि एक तरफा प्रेम कथा और साथ ही तैयार करते हैं लेकिन अंतिम क्षण जो है अपने साथी प्रेमी के लिए अपनी भावनाओं को वापस रखने के लिए एक जेन जेड बालक को जो है बचाने के लिए एक वैध और साथ ही तार्किक कारण के साथ जो है अपने में विफल रहते हैं। हालांकि वह भार और साथ ही जोड़ करके इसी यानी कि भरपाई करते हैं। फिल्म और पटकथा में मजेदार क्षणों में जो है कुछ यानी कि मर्मिक क्षणों का हिस्सा होता है। 2011 में वह जो है मिस्टर परफेक्ट फिल्म में अभिनय किए एक और रोमांटिक कॉमेडी में दिखाई दिए। समीक्षा साइट ग्रेट आंध्र ने 3 सितारों के साथ फिल्म का मूल्यांकन किया था और कहा कि फिल्म एक यानी कि साफ यानी कि पारिवारिक और मनोरंजन फिल्म के रूप में सामने आती है और निर्माता के इरादे के सराहना भी इस फिल्म में की जानी चाहिए थी। दोस्तों प्रभास सर के फैन इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है क्योंकि राधे श्याम फिल्म को इंडिया में बहुत जल्द रिलीज़ किया जाएगा। जितने भी इंडिया है इनके फिल्मों को देखने के लिए काफ़ी लंबे से वेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड अगर आप भी मेरे तरह राधे श्याम फिल्म का वेट कर रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं राधे श्याम फिल्म के बारे में कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। 2012 में प्रभास सर ने राघव साथ ही लॉरेंस धारा निर्देशित एक जो है एक्शन फिल्म रिबेल में अभिनय किया था।
टाइम्स ऑफ इंडिया के साथी रशि धर ने कहा है कि यह फिल्म प्रभास सर के कट्टर प्रशंसकों की, क्योंकि यह फिल्म जो है स्टार स्टाइलिश और साथी दृष्टि में जाती साथी जो यानी कि समृद्धि है, लेकिन सामग्री में ज्यादा नहीं है। NDTV से इसके साथ जो है पूर्णिमा और साथी रनावत ने कहा है कि विद्रोही दर्शकों के लिए साथी क्रिया की साथी जो किराया प्रदान करता है। फिल्म निश्चित रूप से प्रभास सर के प्रशंसकों द्वारा पसंद की जाएगी और तमन्ना भाटिया की नृत्य प्रतिभा और साथी प्रशंसा साथी प्रभास सर के एक्शन और कौशल के साथ जो है लिए देखे जाएंगे। रणदीप से राधिका साथी रश्मीन ने .com ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए हैं और कहा है कि शायद ही किसी कहानी के साथ काम करते हुए निर्देशक राघव और साथी लॉरेंस ने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे जो है देखना कठिन है। विद्रोही जनता के लिए एक फिल्म है और निश्चित रूप से जो है यानी कि समझदार लोगों के लिए नहीं है। साथ ही दर्शक उन्होंने फिल्म और साथ ही डैनी कैना रेड्डी 2012 के लिए एक लघु कैमियो के लिए आवाज़ भी दे दी। 2013 में प्रभास सर ने मिर्ची में अभिनय किया था। idealbrain.com ने जियो ने 5 में से 3.25 की रेटिंग दी है। यह टिप्पणी करते हुए कि मिर्चा फिल्म का पहला भाग अच्छा है और साथ ही फ्लैशबैक एपिसोड जो कि सेकेंड हाफ का 100 जो हिस्सा लेता है यह अच्छा है और साथ ही क्लाइमेक्स जो है बेहतर हो सकता था। फिल्म के साथ ही जो है यानी कि प्लस पॉइंट ये था कि प्रभास सर इस फिल्म में संगीत और साथ ही शर्मा उनके साथ जो है शर्मा गीन अभी उनके साथ जो है अभी विन्यास कुल जो है मिलाकर मिर्ची में एक जो है उनके साथ जो है मनीष जीक मूवी था। साथ ही पॉट बायल उनके साथ जो है पॉट बायल की सभी जो है सामग्रियाँ हैं और उनके साथ महेश एस उनके साथ जो है कुरू ने अपना यानी कि फैसला सुनाया कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एक जो है अच्छे और साथ ही व्यावसायिक प्रदर्शन में बदल जाएगी, जिससे जो है फिल्म को 3.25 का रेटिंग मिला है और साथ ही Y2 मूवीज ने भी 3.25 की रेटिंग दी है। यह फैसला देते हुए कि प्रभास सर ने इसी साथ ही जो है यानी कि सव्य लेकिन यानी कि फॉर्मूले और साथ ही वनीत जेक और मनोरंजन में जो है शो को हिला दिया है और सुपर गुड मूवीज ने जो है फिल्म को 5 में से 5 के पैमाने पर 3 स्टार की रेटिंग दी है और यह समीक्षा करते हुए कि गो एंड और साथ ही वाच मिर्ची यह फिल्म जो है क्लास और मस्त दोनों का मनोरंजन करता है, यह देखने लायक है। और प्रभास सर ने 2014 में एक करके हिंदी सिनेमा की शुरुआत की थी। फिल्म एक्शन और साथ ही जैक्सन के आइटम नंबर पंजाबी मस्त में कैमियो भी भूमिका निभाई थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं प्रभास सर की फिल्म राधे श्याम को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स इस कलेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़ी काफी रोमांटिक फैक्ट को भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अब 2015 में प्रभास सर एस.एस. राजामौली के महाकाव्य बाहुबली द बिगनिंग में साथ ही जो है शिबुडू महेंद्र बाहुबली का किरदार निभाया। अमरेंद्र बाहुबली के रूप में दिखाई दिए जो कि अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म ने पैन इंडिया और फिल्म नाम से एक जो है यानी कि नया फिल्म आंदोलन शुरू किया। प्रभास सर ने इसके सीक्वल बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 में अपनी भूमिका दोहराई जो कि केवल 10 दिनों में सभी भाषाओं में डब करके 1000 करोड़ पार कर लिया था और यूसे में कन्वर्ट कर दे तो 55 मिलियन से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किए थे। 155 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई और दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है आज तक की भारतीय फिल्म। और साथ ही उन्होंने द और साथ ही कंक्लूजन में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का सीमा पुरस्कार जीता था। उन्होंने बाहुबली के किरदार के लिए अपना वजन 105 किलो तक बढ़ा लिया था। 2019 में प्रभास सर ने सुजीत धारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर शाहो फिल्म में अभिनय किया था। साथ ही प्रतिकूल समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी फिल्म ने 433 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। जनवरी 2021 तक प्रभास सर की दो फिल्में निर्माणधीन हुई थी और साथ ही अर्थात रोमांटिक जो है ड्रामा राधे श्याम मूवी और साथ ही प्रशांत नीलधारा निर्देशित की गई एक्शन फिल्म सल्लार में दिखाई देंगे। इसके अलावा उन्होंने दो और फिल्में साइन की है, वह हिंदू महाकाव्य रामायण के साथ ही रूपांतरण दी आदि पुरुष फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे
और निर्देशक ओम राउत ने निर्देशन में बनी इसी फिल्म में सैफ अली खान भी नजर आएंगे। वर्तमान में पुरुष जेट के नाम से नागा अश्विन की बिना शीर्षक वाली विज्ञान 5 फिल्म के लिए भी दीपिका पादुकोण को और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए प्रतिबंध की गई है। उनकी 25वीं फिल्म जो है यानी कि स्पिरिट की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को की गई थी। इसे संदीप रेड्डी गांवा द्वारा निर्देशित किया गया है और जाएगा और यूबी और साथ ही कृष्ण टी सीरीज और साथ ही भद्र काली पिक्चर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम राजेश श्याम फिल्म की फुल रिव्यू कर रहे हैं। इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग राजेश श्याम फिल्म का वेट कर रहे थे और अगर आप प्रभास सर के फैन हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं राजेश श्याम मूवी को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड आप लोग को पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अब मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू करता हूँ और मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में मैं बतलाता हूँ। प्रभास सर जिन्होंने महिंद्रा एंड साथी महिंद्रा ने नई महिंद्रा जो है TUV 300 कार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साथ ही अनुबंधित किया गया है, जो 2015 में अपने नए विज्ञापन के साथ टेलीविजन और साथ ही वाणिज्य के क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। वह आम तौर पर अक्सर जो है ब्रांडों का समर्थन नहीं करते हैं। न्यूज 18 ने बताया है कि उन्होंने 2020 में 150 करोड़ के यानी कि ब्रांड एंडोर्समेंट को अस्वीकार इन्होंने कर दिया था। प्रभास सर को अक्सर जो है डार्लिंग या पैन इंडिया स्टार कहा जाता है। उन्हें जो है टाइम्स के मोस्ट और साथ ही डिजाइनरेबल मेन फॉर द ईयर भी कहा जाता है, जो 2017 और 2018 में साथ ही बराबर स्थान पर रखा गया था। फिर उन्हें 2019 में हैदराबाद टाइम्स की साथी यानी कि फॉर एवर और साथ ही डिजाइनरेबल सूची में जोड़ा गया था। वह वर्ष 2019 के लिए साथी जो है कर्नाटक में गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले अभिनेता थे और वह जो है पत्रिका और साथ ही ईस्ट टर्न आई की 2019 की 10 सबसे सेक्सी एशियाई पुरुष की सूची में शामिल होने वाले दक्षिण सिनेमा के एकमात्र अभिनेता है। उन्हें 2017 के सबसे प्रभावशाली युवा भारतीय की सूची में शामिल किया गया है। GQ में भी शामिल किया गया था और 2021 में उन्हें जो है यानी कि फैंसी और साथ ही अर्थ वार्षिक सूची में मोस्ट और साथ ही हैंडसम जो यानी कि एशियन मेल के रूप में नामित किया गया है। साथ ही पिंक बीला की पूजा धर ने अपने लेख में उन्हें जो है सबसे विनम्र और साथ ही जमीन में जुड़े हुए जो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राजेश श्याम फिल्म को, जिसे 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस फिल्म को 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को मिले जुले अच्छे समीक्षा मिले हैं। दोस्तों फिल्म को 350 करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने अभी तक सिर्फ 200 करोड़ का ही इनकम किया है। फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है प्रभास एंड पूजा हेगड़े। फिल्म को डायरेक्ट किया राधा कृष्ण कुमार सर ने और फिल्म की कहानी भी राधा कृष्ण कुमार सर ने ही लिखी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है टी सीरीज एंड यूबी क्रिएशन ने। इस फिल्म को हिंदी डॉब में अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ए फिल्म के बैनर के तहत आपको हिंदी डॉब में यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मूवी अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया गया है। इस फिल्म को अभी जो है यानी कि अमेजन प्राइम जैसे बल्बे प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। दोस्तों अभी इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने हैं क्योंकि अभी सिर्फ इन्हें 200 करोड़ का ही इनकम किया है। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। राजेश श्याम मूवी इज अ 2022 इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा मूवी। फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राधा कृष्णा कुमार। द फिल्म इज द प्रोड्यूसर बाय यूवी कृष्ण एंड टी सीरीज वाज द शूट इज द तेलुगु एंड हिंदी एंड लैंग्वेज रिच द स्टार प्रभास एंड पूजा हेगड़े। सेट इन द यूरोप मूवी ऑफ 1970 इज द फिल्म और टेल ए स्टोरी ऑफ द विक्रमादित्य एंड प्लॉमिस्ट हुदा एंड कॉन्फ्लिक्टेड द बिटवीन डेस्टिनी एंड हिज द लव स्टोरी द फिल्म प्रेरणा। द फिल्म हिज
स्कोर इज द कंपोजिट बॉय एस थमन। द फिल्म हैज टू एंड डिफरेंट साउंडेड फॉर द हिंदी एंड तेलुगु वर्जन एंड मैथुन एंड द मिथुन अमल मलिक एंड मिनंद भरद्वाज एंड कंपोजिट द फिल्म सॉन्ग विल बी जस्टिन प्रभाकर एंड कंपोजिट द तेलुगु सॉन्ग। द फिल्म एंड सिनेमेटोग्राफर इज द एन हैंडेडली भी मनोज एंड प्रहमन हंस एंड एक्टिंग डोन बाय द एंड कटागिरी वेंकटेश्वर राव एंड प्रिंसिपल फोटोग्राफर ऑफ द फिल्म एंड कमेंसेड इन द अक्टूबर 2018 एंड एंडेड इन जुलाई 2021 विद द फिल्मिंग टेकन प्लेस इन द हैदराबाद इटली एंड गोर्गिया। ओरिजिनली प्लैंड फॉर द रिलीज ऑन 30 जुलाई 2021 इज द वर्स्ट डिलाइट ड्यू टू द कोविड 19 पैंडमिक। राधेश्याम मूवी वॉज द थिएटर रिलीज ऑन 11 मार्च 2022 एंड रिसीव्ड मिक्सड रिव्यू फ्रॉम द क्रिटिक्स विद द एन अप्रिसिएशन ऑफ द एंड द परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन एंड वैल्यू बट द एंड क्रिसमस फॉर द एंड स्क्रीन प्ले एंड नरेशन मूवी। इन द मूवी 1978 इज द एडली विक्रम आदित्य इज द वर्ल्ड एंड रिन वेट द एन प्लेमिस्टिक डोबेट एज द एन स्टैंड ऑफ द एन प्लेमिस्टिक द इज हिट द एन डिस्प्लेस ऑफ द मूवी एंड सेट द एन फ्रॉम इन द प्रेन हेमा विक्रम आदित्य हु डूज नॉट द बिलीव इन रिलेशनशिप एंड इंस्टेंटली फेल्स फॉर द डॉक्टर प्रेरणा द मेड ऑन द टेन बट द एंड सेपरेटेड द एंड डिफरेंट वन डे विक्रम आदित्य द एंड रेज द प्लेन ऑफ द बिजनेस मैन आनंद राजपाल द एंड विक्रम आदित्य डोंट एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर द इन एंड फेवर द राजपूत मैन द एंड कैश हिम विद द रिजल्ट इन द मूवी एक्सीडेंट द एंड हैड मीट इन टू द एंड प्रिंसिम एंड द एंड प्रिंसेस होस्ट होस्ट एंड ट्रेटेड द आफ्टर द एंड रिकवरी विक्रम आदित्य एंड पर्पोज द प्रेरणा टू बी इन द फ्रेंड एंड द पार्टनरशिप विद द प्रेरणा हाउ वेबर द एंड लोवेज इज द टू एंड विक्रम आदित्य फ्लो हेयर द वेस इज द एक्सेप्टेड इन द मूवी बिगेन टू बी देट इज द एंड प्रेरणा इज द अंकल हाउ वेबर आस्केट नॉट द एंड डेवलप एनी फ्रेंडशिप एंड टूवर्ड्स विक्रम आदित्य एंड विन विक्रम आदित्य प्रेरणा आर द एंड ट्रेवल ऑन अ ट्रेन एंड ए स्ट्रगल रिक्वेस्ट हिम टू बी एंड रेड द एंड प्लेम ऑफ द हिस एंड डॉटर हिज द डॉटर एंड ए स्प्रिंग द हार्ट चेयर एंड प्रेडिकी इज द सी डोंट हैव अ फ्यूचरिंग इन ए स्पोर्ट एंड द साउल द स्टेज द फोकस ऑन द एंड एजुकेशन अमेजेड बाय द विक्रम आदित्य ए स्किल एवरी वन इन द एंड चेक आस्ट फ्रॉम द एंड प्रेडिकेशन ऑफ द स्विंग थियर अ प्लान बट द विक्रम आदित्य एंड हैशली गैस डाउन इन अलॉन्ग विद द एंड प्रेरणा हाउवर हिज द एंड रियलाइज एंड टेट एवरी वन हिज द ट्रेन एंड दिस ट्रेन टू बी एन इमीडिएटेड डेट हिज द एंड कैच द एंड चेसेज द ट्रेन टू बी ए स्टॉप इन बिटवीन द वैन लेटर द एंड एवरी एंड द इवेंटली द ट्रेन इज द मिस एक्सीडेंट एंड लीडिंग टू बी इन सबेरियल कश्मीर द प्रेरणा हु स्टार्ट टू बी बिलीव द एंड प्ले मिस्ट्री आस्केज द विक्रम आदित्य टू बी विक्रम आदित्य टू लीड हेयर द एंड प्लान हु द एंड प्रोडक्ट द एंड वॉल हैव अ बींग लॉन्ग लाइफ विद द एंड bright future but the end flamed immediately with the end bleeding his the end prerna admitted to be hospital where had the uncle who is the also and doctor the revealed see the end suffering from the end incorrectly and tumor and the winning the end man Vikram Aditya and this agree science hit the end in the pre decade the end however hit the end drawing out of the hospital and prerna is the now end Hopi fool had the end life your uncle won the end other hand the believes the Vikram Aditya and fraud and only the end medicine can change for the end fat hit the Vikram Aditya with the dead and people plan and Vikram Aditya the and discuss of the end correctly here the uncle changes hit the mid and towards the Vikram Aditya and prediction and expected and cure from the end press the end disease was the from and file with the end happiness the end prerna proposed the Vikram Aditya however hit the end reject here in saying hit the end connect love here the end twist not the end possess love line and will be in living the contest on the end the end dedicate the prerna and hotem to be in sense with the end a grave word come across the end Vikram Aditya and there is see the end lost at the Vikram Aditya was the end pro
इन द प्रो पैटर्न एंड सोर फ्रेंडशिप लाइफ से फेयर द बिफोर एंड लिविंग विक्रम आदित्य टेकेस द प्रेरणा टू एंड द बालरूम डांस एज द पेयर इन विश एंड द एंड कपल एस मिनट द एंड नाइट द इंटीमेट द एंड प्रेरणा एंड लिबाइज द नॉट द एंड डेरे एंड डेडी थेट द एंड ट्विस्ट टू बी गिव अप द हेयर लाइफ द एंड इज स्टेटेड टू विन द एंड एस टू एस्टेशन द आयरिश शुड बी विलिंग द एंड मिस हेयर द कैश एक्सीडेंटली एंड एडमिटेड टू बी हॉस्पिटल एंड विक्रम आदित्य हु इज द लंदन फॉर हिज द मदर इज द डांस शो एंड रेस द एंड प्रेरणा Not in the dairy hit the end call hospital and shocked to be now in condition of the Prerna who and urges the Prerna to be live and promising to be meet her the soon win the Vikram Aditya in is the end Dilip Mena about his the end protected the end commission agrood the end girl in the train who are the lost here the hand and accident see the test Vikram Aditya tell the science see the do not have a plan now he the can read the hair and distance Vikram Aditya who is the end Harry to be and meet Prerna and Bros on the end in cargo ship to be and Italy which hit the end captain by the end person hit the meet the end hospital however the end ship is the end chugged by the end storm in the sea everyone the end Adam Badu ship in the end captain the order Vikramita however is the end trapped in the ship along with the end overwhelmed the end forces the natural Vikram Aditya and struggle for the survival hit the end recall hit the guru and guru hit the end Parama held the end associated with the end primary only 99% the actual and hit the 1% of the people with the script here the end distance and determined to be and alive with the his struggle the reach high the end point and the end flag the end gone movie captain the returned with the end life for be ship the end sneaking with the end drowned the Vikram Aditya and management to be later the end Vikram Aditya arrived to be head the end hospital and auntie with the recover Prerna in the movie. राधे श्याम मूवी विद द ओरिजिनल द कॉन्वोकाइज विद द डायरेक्टर द एन चंद्रशेखर वेल्टी वर्किंग हिज द एन असिस्टेंट राधा कृष्ण कुमार टू बी एंड डेवलपर द स्टोरी बट द एन आइडिया वॉज द एन ड्रोपेड आफ्टर द एन फैट टू बी गिव इज द एन कंक्लूजन कुमार द एन ग्रो वेटली एंड स्ट्रॉन्गली लाइन फ्रॉम द एल डी एंड वर्केड ऑन फॉर द 18 ईयर्स टू बी गिव द स्टोरी एंड द एन एस पी एंड द एस टाइप फैक्ट्री अलॉन्ग विद द एन नरेटेड द एन स्क्रिप्ट टू बी एक्टर प्रभास विल बी वॉज The shooting for Bahubali series on 2015 in 2017 Prabhas liked the script and the signet of the four project the movie Kumar the and entirely wanted to be see story in the movie and backdrop of the movie Hill Station in India However, the story was the movie to Europe and flowing in the movie and suggestion of the Prabhas Radhakrishna Kumar and the reflected the and movie the protagonist Vikram Aditya character is the and inspired by the real life the European and play misty and cherished severe title the including Jaan O Dear where the and conceived from the movie film maker and finalized Radha Shyam is the movie and film title the film was the and for Mule luncheon on 5 September 2018 in the Hyderabad and tentatively movie Prabhas 20 Pooja Hegde was the end cast opposite the movie Prabhas and Hegde collect the film in fresh the nation love story and adventure movie and actress Bhagyashri is the cast in character the role and Circle Road in the movie film the film and romantic drama set in 1970 film Europe the film shoot the movie Telugu and Hindi along with the principal photographer commissioned on 6 October 2018 filming took place in the Hyderabad and Turin movie the and Gurgia after with the was the and suspended due to COVID-19 pandemic in March 2020 filming the and resumed in Italy October 2020 in December 2020 Severial Skin Where Shoot is the movie and Palakkumar plays in Hyderabad final schedule of the movie film began on 25 June 2021 the film was the two different soundtrack for the Hindi and Telugu version in the movie soundtrack is the and composed by the Mithun and Minand Bharadwaj will be and Justin Prabhakar is the composer the song is the film and version the in addition to be Tamil movie Kannada
राधे श्याम मूवी वॉज द रिलीज इन द सिनेमा ऑन 11 मार्च 2022। वियरली द फिल्म वॉज द सक्सेसफुल फॉर द रिलीज ऑन 30 जुलाई 2021। हाउएवर इज द वर्स्ट एंड पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं राधे श्याम मूवी को। इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। दोस्तों अब वक्त आ चुका है इस वीडियो से विदा लेने का। दोस्तों इस वीडियो की अब कुछ अंतिम बातें बतला के मैं आप लोग से इस वीडियो से विदा लेना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को आज का ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। हम किसी भी कंपनी के फिल्म को अपलोड नहीं कर सकती है तो आप लोग को पता है। राधे श्याम फिल्म 2022 की भारतीय प्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित किया गया है और निर्देशित किया गया है। फिल्म योबी क्रिएशंस और टी सीरीज द्वारा निर्मित किया गया है। इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े ने अभिनय किए हैं। 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म है। विक्रम आदित्य की कहानी बताया गया है जो एक वादिक इंसान है जो नियमित और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। फिल्म का स्कोर एस तमन द्वारा रचित किया गया है। फिल्म की हिंदी और तेलुगु संस्करण के लिए दो अलग अलग जो है साउंडट्रैक को लिए गए थे। मिथुन अमाल मलिक और मनन जो है भरद्वाज ने हिंदी गीतों की रचना किया था जबकि जस्टिन प्रभाकर ने तेलुगु गीतों की रचना की थी। छायांकन मनोज जो है साथी परमहंस द्वारा संभाला जाता है और संपादन जो है साथी कोटागिरी वेंकटेश्वर राव द्वारा किया जाता है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2018 को शुरू हुई। 2021 में हैदराबाद इटली और जॉर्जिया में फिल्मांकन के साथ जो समाप्त हुई थी। मूल रूप से 30 जुलाई 2021 को रिलीज की योजना बनाया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई थी। राधे श्याम फिल्म 11 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। आलोचकों से प्रदर्शन और उत्पादन मूल्यों की सराहना किया गया है। मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी लेकिन इसकी पटकथा और कथन के लिए आलोचना भी की गई थी। दोस्तों अब तक जो है फिल्म सिर्फ 200 करोड़ ही कमाया है। फिल्म को हिट होने के लिए 400 करोड़ तक कमाई करना होगा तो ही जाके मूवी हिट हो सकता है। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतला ही रहे हैं और फिल्म की काफ़ी अननोन फैक्ट को भी बतला रहे हैं। दोस्तों बतला दें इस फिल्म को 350 करोड़ के बजट में बनाया गया। फिल्म को हिंदी एंड तमिल भाषा में एक साथ डब करके रिलीज किया गया था। राधे श्याम फिल्म की कल्पना मूल रूप से निर्देशक चंद्रशेखर एलटी ने की थी। उन्होंने कहानी को विकसित करने के लिए अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ काम किया लेकिन इसी विचार को छोड़ दिया गया क्योंकि इसे जो है निष्कर्ष देने में विफल रहे। कृष्ण कुमार ने एलटी से कहानी आधा उधार ली थी और कहानी को संतोषजनक अंत देने के लिए 18 साल तक इस पर जो है काम किया। बाहुबली सीरीज 2015 से लेकर 2017 की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने अभिनेता प्रभास को स्क्रिप्ट सुनाई थी। प्रभास सर को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए साइन अप कर दिया था। कृष्ण कुमार शुरू में कहानी को भारत के एक हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में सेट करना चाहते थे हालांकि प्रभास के सुझाव के बाद कहानी को यूरोप में ले जाया गया। राधे कृष्ण कुमार ने खुलासा किया कि नायक जो है विक्रम आदित्य का चरित्र वास्तविक जीवन के यूरोप जो है एक वादी चीरों से प्रेरित है। फिल्म के लिए जान और उनके साथ जो है डियर सहित कई जो है शीर्षक पर विचार किया गया मूवी था लेकिन निर्माता ने फिल्म के शीर्षक के रूप में राधे श्याम को अंतिम रूप दिया था। फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था जिसका नाम जो है अस्थायी रूप से प्रभास 20 रखा गया था। पूजा हेगड़े को प्रभास के साथ कास्ट किया गया था। हेगड़े ने फिल्म को ताजा और परिपक्व प्रेम कहानी कहा था। अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया है। फिल्म 1970 के यूरोप पर आधारित फिल्म रोमांटिक मूवी ड्रामा मूवी है। फिल्म को तेलुगु हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और प्रिंसिपल फोटोग्राफर 350 करोड़ के बजट में बनाया गया है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं अभी ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। ये मूवी अभी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस फिल्म को आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में रिव्यू कर राधे श्याम मूवी को प्रभास सर एंड पूजा हेगड़े ने मूवीज में अभिनय किए हैं। दोनों की प्रेम कहानी को देखने को मिलता है फिल्म में और मूवी सुपर हिट हो सकती है ऐसे जो है पब्लिक का दावा है। फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में कुल कलेक्शन जो है 79 करोड़ की थी।
दूसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 40 करोड़ की कमाई की थी, जिससे जो है दुनिया भर में दो दिनों की कमाई जो है 119 करोड़ हो गई है। तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की, जिससे ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन जो है 151 करोड़ हो गया था। 14 मार्च 2020 तक फिल्म ने दुनिया भर में कुल कलेक्शन 165.18 करोड़ की कमाई की थी। और आईबी टाइम्स ने कहा है कि विदेशी केंद्रों में राधेश्याम ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां इसने तीन दिनों के पहले ही हफ्ते में साथी बी तड़कों की हिस्सेदारी बटोरी है। 6.9 करोड़ रुपए के कमाई किए हैं, 13.8 करोड़ रुपए की कमाई की है। और पिंक विल्ला के जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी अपादा मूवी है, क्योंकि फिल्म ने भारत में 4 दिनों में 99.50 करोड़ की कमाई किया है और फिल्म के लिए 125 करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल हो चुका है। फिल्म के हिंदी संस्करण ने दो दिनों में केवल 9.5 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो शाहू फिल्म की तुलना में बहुत कम है। और रिपोर्टर्स जो है बताती है कि फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई है। पहले तीन दिनों में केवल जो है 14 करोड़ ही नेट के साथ जो है फिल्म का हफ्ता खराब रहा था। फिल्म ने पहले सोमवार को अपने जो है कलेक्शन में 1.5 करोड़ नेट किया था। साथ ही भारी गिरावट दर्ज की गई थी। और साथ ही कोई मोई ने कहा है कि फिल्म के लिए शो को काफ़ी कम कर दिया गया है, क्योंकि द कॉस्टमेट जो है यानी कि फाइल्स को बड़ी संख्या में स्क्रीन जो है अवंती की गई है। डेक्कन हेराल्ड ने कहा है कि समीक्षाओं को सकारात्मक के साथ जो है मिलाया गया था और प्रदर्शन और उत्पादन जो है मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त की गई थी। DNN इंडिया और साथ ही इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि समीक्षाओं को नकारात्मक में लिया गया था, जिसमें जो है कहा गया था कि लेखन और कथन की आलोचना भी हुई थी। और हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया है कि समीक्षाएं नकारात्मक थी। दोस्तों वीडियो में रिव्यू कर रहे राधेश्याम फिल्म को, जिसे 11 मार्च को रिलीज किया गया है। दोस्तों ये मूवी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है। इस मूवी को सिनेमाघरों में चलाया जा रहा है और इस वीडियो में हम इस मूवी की कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। हम यहाँ पर किसी भी कंपनी की मूवी को अपलोड नहीं कर सकते, ये मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देख चुके हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं। डेक्कन हेराल्ड ने कहा है कि समीक्षाओं के सकारात्मक के साथ मिलाया गया था और प्रदर्शन और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त की गई थी। DNA इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि समीक्षाओं को नकारात्मक में लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि लेखन और कथन की आलोचना हुई थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया है कि समीक्षाएँ नकारात्मक थी। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने फिल्म को 3.5 की रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास उर्फ जो है विक्रम आदित्य और पूजा हेगड़े उर्फ प्रेरणा की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी दर्शाती है कि प्यार भाग्य को कैसे जो है जीतता है। द न्यूज़ मिनट की सौम्या राजेंद्र ने दी फिल्म को 3.5 की रेटिंग और कहा कि हालांकि मुख्य जोड़ी जो है एक साथ पसंद करने योग्य है और राधेश्याम जैसा महाकाव्य प्रेमियों के रूप में वास्तव में अस्वस्थ नहीं है। जिसके बाद फिल्म का शीर्षक है टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि पूजा और प्रभास के बीच की मधुर केमिस्ट्री इसी प्रेम कहानी में एक बाधा हुआ है और साथ ही BFX एक जो है प्रशंसा का पात्र है और फिल्म की दृश्य गुणवत्ता में जोड़ा गया है कि उनके साथ जो है जन्नी के इंडिया टुडे ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि प्रभास और पूजा हेगड़े की राधेश्याम में इसके आधार में काफ़ी जो यानी कि संभावनाएं रखी गई हैं। हालांकि शानदार दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइन के अलावा फिल्म में आत्म की कमी रखी गई है और पिंक विल्ला के एक जो है समीक्षक ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी। लिखा है प्रभास कुछ दृश्यों में ईमानदार है लेकिन जब लेखन विफल हो जाते हैं तो निराश दिखते हैं और थमन के पृष्ठभूमि संगीत में नवीनता का कभी भी कमी दिखाया गया है। एक डेक्कन क्रॉनिकल के समीक्षक ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और लिखा शायद बेहतर और मजबूत लेखन राधेश्याम को एक अलग स्तर पे ले जा सकता है।
NDTV की सैबल चटर्जी ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि प्रभास और पूजा हेगड़े एक जो है पटकथा के साथ जो है दुखी है, जो उन्हें जो यानी कि युद्धाभ्यास के लिए बहुत कम जो है जगह दिया गया है। अंतिम परिणाम जो है बीती यानी कि विपत्तिपूर्ण है और इंडिया साथी जो है इनके हेलाड के सीबी जिया ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी और लिखा है कि द फ्रॉस्ट यानी कि हाफ ऑफ द फिल्म जो है यानी कि कलात्मक और नेत्रहीन जो है यानी कि तेजस्वी, दूसरी जो है अवधि और साथ ही सुडेटा चेहरे पर जो है धीमी और जटिल रखी गई है। भले ही फिल्म जो है वास्तव में ख़राब नहीं है, फिर भी यह हमारे पैसे और साथ ही समय को जो है बर्बाद करने जैसा लगा है। कोइमोई के उमेश जो है पुन वावी ने दिया है फिल्म को 1.5 की रेटिंग और लिखा है कि प्रभास का चरित्र विक्रम आदित्य एक जो है यानी कि हस्तरेखवादित है, जो कि अपने काम में इतना बुरा है कि वह अपनी जो है फिल्म के उबाऊ भाग्य की सती भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने दिया है फिल्म को 1.5 की रेटिंग और लिखा है कि प्रभास स्टारर जो है हमसे उम्मीद करते हैं कि हम जो है निगल हुक और लाइन और इतने सारी यानी कि सिंकर्स और हम जो है लगातार हमारे जबड़ों को यानी कि फर्श से हटा रहे हैं। दोस्तों वीडियो में रिव्यू कर रहे प्रभास सर की मूवी राधेश्याम फिल्म को और इस मूवी की मुझे से अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अभी तक ये मूवी 200 करोड़ की ही कमाई की है, जबकि इसको अपने बजट को रिकवर करने के लिए अभी 150 करोड़ तक की कमाई करना होगा और अंत में हम देखेंगे ये मूवी जो अब तक कितनी कमाई करती है। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं राधेश्याम फिल्म को, जिसे 11 मार्च को रिलीज किया गया है। दोस्तों आपको बता दें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे राधेश्याम फिल्म को, इसे 11 मार्च को रिलीज किया गया है। दोस्तों आपको कई सारे वीडियो मैंने बताया था ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज होने वाला है और सेम डेट के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया, इस बार किसी डेट को भी चेंज नहीं किया गया। इस फिल्म में 1978 के इटली में विक्रम आदित्य विश्व प्रसिद्ध जो है हस्तरेखवादित है, हस्तरेखा विज्ञान के साथ जो है इनके आइंस्टीन के रूप में ड्रॉप किया गया है। वह संत जो है परमहंस के विषय है विक्रम आदित्य, जो कि रिश्ते में विश्वास नहीं करते हैं, तुरंत जो है डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वह एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रम आदित्य जो है व्यापारी अनंत जो है राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसा कि विक्रम आदित्य अपने पथ में जो है भविष्यवाणी नहीं करते हैं और राजपूत के लोग जो है उसका पीछा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी जो है साथ जो है इनकी दुर्घटना होती है। वह प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहां जो है उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रम आदित्य प्रेरणा को उसके साथ जो है यानी कि इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देती है लेकिन विक्रम आदित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करता है। वह मान जाती है और वह एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रम आदित्य के प्रति कोई भी भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रम आदित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी एक महत्वाकांक्षी और साथ ही धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वह भविष्यवाणी करता है कि खेलों में उसका कोई भी भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय जो है शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विक्रम आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में हर कोई अपनी जो है इनकी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, लेकिन विक्रम आदित्य जो है हिचकिचाते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाते हैं। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी की यानी कि तत्काल मौत होनी तय है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ उस शाम जो है बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिससे कई लोग जो है यानी कि हताहत हो जाते हैं। उनके साथ हस्तरेखा शस्त्री में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रम आदित्य से उसकी हथेली पढ़ने को कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उज्ज्वल भविष्य के साथ उसका जो है लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहने वाली नाक से तुरंत जो है बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है और बताते हैं कि वह एक जो है यानी कि लाइलाज ट्यूमर से पीड़ित है और महीनों के भीतर उसकी मृत्यु हो सकती है। विक्रम आदित्य असहमत है क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया था। प्रेरणा अब अपने जीवन को लेकर जो है यानी कि असान्वित है और उसके चाचा पर जो है विश्वास करती है। दोस्तों वीडियो में
प्रभास सर का एक और काम रहता है कि ये इसमें भविष्यवाणी करते हैं, लोगों के हाथों को देख के पढ़ के उनकी भविष्यवाणी यानी कि उनके भविष्य के बारे में बतलाते हैं। मूवी को जरूर देखना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस फिल्म में आपको एक अच्छी प्रेम कहानी देखने को मिलता है। प्रभास सर ने इस फिल्म में काफ़ी मोस्ट एक्टिंग किए हैं। इस वीडियो में हम आपको रिव्यू करके बता रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ रिव्यू है, आपको इसमें कोई भी ऐसे गलत एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है और फिल्म के बारे में हमने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं फैलाया है। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें प्रेरणा अब अपने जीवन को लेकर आसीन विद है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि जाति विक्रम आदित्य एक जो है धोखेबाज इंसान है और केवल दावा ही उसकी जो है किस्मत बदल सकती है। वह मृत लोगों की हथेलियों से विक्रम आदित्य का परीक्षण करता है और विक्रम आदित्य उन सभी को सही ढंग से काटता है। उसके चाचा जो है उनका अपमान मन बदलने और विक्रम आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी प्रेरणा की, बीमारी का इलाज जो है मिल गया और सुखी से भरी जो है प्रेरणा विक्रम आदित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है और वह जो है जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा जो है दुखद के साथ जो है महात्मा उनके साथ जो आत्महत्या और निराश जो है प्रेरणा दुखद के साथ आत्महत्या करने का प्रयास करती है। लेकिन विक्रम आदित्य की डायरी में आती है, उसे पता चलता है कि विक्रम आदित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रम आदित्य प्रेरणा को उसकी जो है इच्छा के अनुसार एक जो है यानी कि बाल रूम नृत्य में ले जाता है और युगल रात को अंतरंग में रूप से बिताते हुए प्रेरणा डायरी में एक जो है नोट छोड़ती है कि उसे ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह जो है यानी कि स्वेच्छा से एक जो है कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रम आदित्य जो कि अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में है, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है, वहाँ अस्पताल को फ़ोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान हो जाता है और प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द ही मिलने का वादा करता है। जब विक्रम आदित्य अपनी जो है भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी जो है मुलाकात ट्रेन में उसी लड़की से होती है जिसे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वह विक्रम आदित्य से कहती है कि क्योंकि अब जो है उसकी जो है हथेली नहीं है इसीलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। और विक्रम आदित्य जो अब जो है प्रेरणा से मिलने की जल्दी में है, एक मालवाहक जहाज़ पर सवार हो जाता है, इटली जाता है, जिसकी कैप्टानी एक जो है व्यक्तिगत करता है जिससे वह अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज जो है समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई जो है कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रम आदित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है और प्रकृति की शक्ति से जो है यानी कि अभिभूत विक्रम आदित्य जो है यानी कि अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। अब अपने गुरु जो है यानी कि परमहंस के इसी दावे को याद करते हुए हस्तरेखा जो है विज्ञान केवल 99% है और 1% लोग जो है ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवन जीवित रहने के लिए दृढ़ जो है यानी कि संकल्प वह एक जो है उच्च बिंदु तब जो है पहुंचने के लिए अपनी सारी जो है इनकी ताकत का उपयोग करता है और एक जो है इनकी भटकीला बंदूक जो है चलाता है। कप्तान एक जो है यानी कि जीवन रक्षक नौका के साथ जो है लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रम आदित्य जो है इनकी तैरने में सफल हो जाता है और बाद में विक्रम आदित्य जो अस्पताल पहुंच जाता है और साथ ही इनकी बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं और फिल्म को यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। इस फिल्म में एक लंबी प्रेम कहानी को बतलाया गया है। दोस्तों, बतला दें, ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राधेश्याम फिल्म को, जिसे 2022 में 11 मार्च को रिलीज किया गया है। 350 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया है और फिल्म में आपको एक अच्छी प्रेम कहानी देखने को मिलता है। दोस्तों, बता दें, अगर आप लोग इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी अभी आपको YouTube पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस फिल्म के मुख्य स्टार का प्रभास सर के बारे में और पूजा हेगड़े मैम के बारे में हम बात करेंगे और दोनों के बारे में हम बताएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप प्रभास सर के फ़ैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। राधेश श्याम फिल्म को 11 मार्च को रिलीज़ किया गया है। प्रभास सर के जन्म के बारे में हम बात करें तो इनके 23 अक्टूबर 1979 में जन्म हुआ था, जिन्हें प्रभास नाम से हम जानते हैं, इनके नाम से जाना जाता है। एक जो भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। प्रभास सर ने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण आधार पर 2015 से 3 बार फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में जगह इनको मिल चुकी है। उन्हें 7 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण नामांकन प्राप्त हुए है, और वह नंदी पुरस्कार और सीमा पुरस्कार के प्राप्त करता है। प्रभास सर ने अपने अभिनय की शुरुआत 2002 के तेलुगु नाटक ईश्वर फिल्म से की है, और बाद में रोमांटिक एक्शन फिल्म वर्षा 2004 के साथ अपनी सफलता हासिल की। उनकी उल्लेखनीय जो है रचनाओं में छत्रपति 2005 जो है, साथ ही बुजी गाडू फिल्म 2008, बिल्ला 2009, डार्लिंग फिल्म 2010, मिस्टर परफेक्ट 2011 और मिर्ची 2013 शामिल है। उन्होंने मिर्ची फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राज्य नंदी पुरस्कार जीता। 2015 में प्रभास सर ने SS राजामौली की महाकाव्य एक्शन फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग में शीर्षक भूमिका निभाई, जो अब तक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। बाद में उन्होंने इसके सीक्वल बाहुबली 2 द कंक्लूजन बनाया। 2017 में अपनी भूमिका दोहराई, जो केवल इसी दिनों में सभी भाषाओं में 100 करोड़ को पार कर गया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 155 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, और दूसरी सबसे अधिक फिल्म है अब तक की कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी हुई है। फिल्मों में अभिनय के अलावा प्रभास महिंद्रा, साथ ही TUV 300 के ब्रांड एम्बेसडर भी है। वह जो है मैडम तुसाद के मोज जो है संग्रहालय में मोम की मूर्ति प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता भी है। दोस्तों, वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं राधेश श्याम फिल्म को, और अभी हम बातें कर रहे हैं प्रभास सर की रियल लाइफ के बारे में। अगर आप प्रभास के फैन हैं, इनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, यह आप लोगों को पता है। प्रभास सर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2002 में ईश्वर फिल्म के साथ किया था। 2013 में वह राघेंद्र राघवेंद्र में मुख्य भूमिका में थे। 2004 में वह वर्षाम फिल्म और आदावी रामुट्टू में दिखाई दिए थे। 2015 में वह चक्रम फिल्म और SS राजामौली द्वारा निर्देशित की गई फिल्म जो छत्रपति में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने गुंडो धारा जो है, साथ ही सिख एक जो है शरणार्थी की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 54 केंद्रों में 100 दिनों तक चला था। IdealBrand.com ने कहा है कि उनके स्क्रीन उपस्थिति में उनकी एक अनूठी शैली और साथ ही मर्दाना आकर्षण रखा गया था। बाद में उन्होंने साथ ही जो है पूर्णामी, योगी और साथ ही मुन्ना में अभिनय किया था। 2007 में एक एक्शन ड्रामा फिल्म आई, उसके बाद 2008 में एक्शन कॉमेडी फिल्म जो है यानी कि बुज्जी गाडू आई। 2009 में उनकी दो फिल्म में बिल्ला और एक जो है निरंजन थी, और साथ ही इंडिया ग्लीज ने बिल्ला फिल्म को स्टाइलिश और दृष्टि से समुद्री कहा है। 2010 में वह रोमांटिक कॉमेडी डार्लिंग फिल्म में दिखाई दिए थे। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2.5 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा है कि निर्देशक जो है साथ ही करुणाकरण अपने अभिनेता में से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक ताज़ा कथानक के साथ नहीं आ सकते हैं। ऐसा लगता है कि निर्देशक जो है वास्तव में अपने थोली प्रेरणा और साथ ही हैंग ओवर से बाहर नहीं आएंगे। वह अपनी फिल्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वह और एक जो है इनकी एक तरफा प्रेम कथा और तैयार करना चाहते हैं, लेकिन अंतिम क्षण तक अपने जो है प्रेमी के लिए अपनी जो है यानी कि भावनाओं को वापस रखने के लिए एक जो है JNZ बालक को बनाने के लिए एक वैध और साथ ही तरक्की करने का साथ जो है अपने विफल रहते हैं। हालांकि वह भार जोड़कर जो है इसकी भरपाई करते हैं। फिल्म और पटकथा में मज़ेदार क्षणों में कुछ जो है मार्मिक क्षणों का हिस्सा होता है।
2011 में वह मिस्टर परफेक्ट एक और जो है रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में दिखाई दिए है। समीक्षा आईटी ग्रेड जो है आंध्रा ने फिल्म को 3 सितारों के साथ जो है रेट दिया था और कहा है कि फिल्म एक साफ जो है यानी कि परिवर्ती और मनोरंजन फिल्म के रूप में सामने आती है। निर्माताओं के इरादे की सराहना भी की जाती है। 2012 में प्रभास सर ने जो है राघव जो है कि लर्निंग धारा जो है निर्देशित की गई एक एक्शन फिल्म रिबेल में अभिनय किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथी श्रीधर ने कहा है कि यह फिल्म प्रभास सर के कट्टर प्रशंसकों की है क्योंकि फिल्म जो है स्टाइलिश और दृष्टि से समृद्ध है लेकिन सामग्री में ज़्यादा नहीं है। और साथ ही एनडीटीवी की पूर्णिमा राघवन ने कहा है कि साथी विद्रोही प्रदर्शन को लिए गए अच्छा काम करता है। फिल्म निश्चित रूप से प्रभास सर के प्रशंसकों को पसंद आएगी। तमन्ना भाटिया की नृत्य प्रतिभा और प्रभास के एक्शन कौशल के लिए से जो है देखे Rediff.com से राधिका राजमणि.com ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दिए है और कहा है कि शायद ही किसी भी कहानी के साथ काम करते हुए निर्देशक जो है राघव लॉरेंस ने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे जो है देखना कठिन है और साथ ही विद्रोही जनता के लिए एक जो है फिल्म है और निश्चित रूप से जो है समझदार लोगों के लिए नहीं है। दर्शक जो है उन्होंने फिल्म जो है डेनिम कैना रेडी 2012 के लिए एक लघु कैमियों के लिए आवाज़ दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं प्रभास सर की फिल्म को जिसका नाम है राधेश्याम जिसे रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। अगर आप लोग राधेश्याम फिल्म को देख चुके हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी बता रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड अगर आप प्रभास सर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपको पता है इस वीडियो में हम सिर्फ मूवी को रिव्यू कर रहे हैं, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही बता रहे हैं। 2013 में प्रभास सर ने मिर्ची फिल्म में अभिनय किया था। idealbrain.com के जियो ने 5 में से 2.5 की रेटिंग दी थी। यह टिप्पणी करते हुए कि मिर्ची फिल्म पहला भाग अच्छा है और फ्लैशबैक जो है एपिसोड जो कि सेकेंड हाफ का 100 जो हिस्सा लेता है वह अच्छा प्रदर्शन करता है और साथ ही क्लाइमेक्स जो है बेहतर हो सकता था। फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी और साथ ही पॉइंट प्रभास सर है। संगीत और साथ ही शर्वानी जो है यानी कि अभी विनय कुल मिलाकर जो है मिर्ची फिल्म में एक जो है यानी कि साथ ही वनी विजय और साथ ही पोर्ट बॉयलर की सभी जो है इनकी सामग्री रखी गई है। महेश एस कोनेरू ने अपना जो है फैसला सुनाया कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एक अच्छे व्यावसायिक प्रदर्शन में बदल जाएगी और जिससे जो है फिल्म को 3.2 का स्कोर मिला था और वाई मूवीज ने भी इस फिल्म को 3.25 की रेटिंग दिया है। और यह फैसला करते हुए कि प्रभास सर ने इस समय लेकिन जो है फॉर्मूलाबद्ध और व्यावसायिक जो है मनोरंजन में शो को हिला दिया था और सुपर मोड जो है मूवीज ने फिल्म को 5 के पैमाने पर 3 स्टार की रेटिंग दिए। यह समीक्षा करते हुए कि एंड वॉच मिर्ची यह जो है यानी कि क्लास और मास दोनों का मनोरंजन करता है, यह देखने लायक मूवी है। प्रभास सर ने 2014 में हिंदी सिनेमा की शुरुआत की फिल्म एक्शन जैक्सन मूवी के आइटम नंबर पंजाबी मस्त में कैमियो भूमिका निभाई है। साथ ही 2016 में बाहुबली द कंक्लूजन के फर्स्ट लुक लॉन्च पर प्रभास सर और अनुष्का शेट्टी, तमन्ना और SS राजा मौली, 2015 में प्रभास SS राजा मौली के महाकाव्य बाहुबली द बिगनिंग में साथी जो है इनकी शुभुदु महेंद्र बाहुबली और साथी जो है अमरेंद्र बाहुबली के रूप में दिखाई दिए थे जो अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म ने पैन इंडिया फिल्म्स नाम से एक नया फिल्म जो है आंदोलन शुरू किया था। प्रभास सर ने इसके सीक्वल बाहुबली टू द कंक्लूजन 2017 में अपनी भूमिका दोहराई जो केवल 10 दिनों में सभी भाषाओं में 100 करोड़ को पार कर लिया था। यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 155 मिलियन से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया था और ये मूवी एक काफ़ी जबरदस्त कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी और दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है आज तक की भारतीय फिल्म। और उन्होंने द कंक्लूजन में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु कसीमा पुरस्कार भी जीता है और प्रभास ने बाहुबली के किरदार के लिए
अपना वजन 105 किलो तक बढ़ा लिया था। बाहुबली की सफलता ने प्रभास को एक जो है अखिल भारतीय अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया था, जिसे जो है तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषाओं में महत्वपूर्ण अनुयायी प्राप्त किया था। 2009 में प्रभास ने सुजीत धारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर जो है शाहों में अभिनय किया था। प्रतिकूल जो है समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद जो है फिल्म ने 433 करोड़ से अधिक की कमाई की। बाद में 2022 में प्रभास ने राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित जो है पीरियड रोमांस फिल्म राधे श्याम में अभिनय किया, जिसे मिश्र समीक्षा भी मिली थी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं राधे श्याम फिल्म को और इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट को लेकर हाजिर हो चुके हैं। इस फिल्म को 350 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने अब तक जो है 200 से अधिक की कमाई कर लिया है। दोस्तों, अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस फिल्म को, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। मार्च 2012 तक प्रभास सर के पास निर्माण के विभिन्न चरणों में 3 फिल्में रखी गई थी, जिनमें से पहली प्रशांत नील निर्देशित एक्शन फिल्म जो है सलार मूवी है। उन्होंने साथ ही आदि पुरुष मूवी की भी शूटिंग पूरी कर ली है, जो हिंदू महाकाव्य रामायण का हिस्सा एक रूपांतरण फिल्म है, जहां पे वह राम की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। निर्देशक ओम राउत धारा निर्देशित की गई फिल्म में सैफ अली खान भी अभिनय किए हैं। उन्होंने नागा अश्विन की बिना जो है शीर्षक वाली विज्ञान 5 फिल्म के लिए फिल्मांकन भी शुरू किया, जिसका नाम जो है अस्थायी रूप से प्रोजेक्ट के रखा गया, जहां पे उन्होंने दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया था। उनकी 25वीं फिल्म जो है स्पिरिट की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी। निर्देशक संदीप रेड्डी होवांगा को यूबी क्रिएशन की टी सीरीज और साथी भद्र कालिक जो है पिक्चर्स के प्रोडक्शन के तहत जो है इसके निर्देशक के रूप में साइन अप किया गया था। प्रभास सर, जिन्हें जो है महिंद्रा एंड साथी महिंद्रा धारा नई जो है महिंद्रा टीवी 300 करोड़ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया गया है, जहां पे 2015 में अपने नए विज्ञान के साथ जो है टेलीविजन और साथ ही वाणिज्य क्षेत्र में अपनी जो है शुरुआत भी किया है। वह आम तौर पर अक्सर ब्रांडों का समर्थन नहीं करते हैं। न्यूज 18 ने बताया है कि उन्होंने 2020 में 150 करोड़ के ब्रांड एम्बेसडर को अस्वीकार कर दिया था। प्रभास सर के अक्सर जो है डार्लिंग या पैन इंडिया स्टार भी इनको कहा जाता है। प्रभास सर को पैन इंडिया भी स्टार कहा जाता है। उन्हें जो है टाइम्स के मोस्ट जो है यानी कि डिजायरेबल मैन फॉर द ईयर 2017 में दूसरा और 2018 में बढ़ा हुआ स्थान दिया गया था। फिर उन्हें 2019 में हैदराबाद टाइम्स के साथ ही उनके साथ जो फोर एवर डिजायरेबल जो है सूची में जोड़ा गया था। वह वर्ष 2019 के लिए कर्नाटक में गूगल पर सबसे अधिक जो है खोजे जाने वाले अभिनेता थे। वह पत्रिका स्टर्न आई की 2019 की 10 सबसे जो है सेक्सी एशियाई पुरुषों की सूची में शामिल होने वाले दक्षिण सिनेमा के एकमात्र अभिनेता हैं। उन्हें 2017 के सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की सूची में GQ में भी शामिल किया गया था, जो 2021 में उन्होंने फैंसी आर्ट्स और साथ ही वार्षिक सूची में मोस्ट हैंडसम और साथ ही एशियन मेल के रूप में नामित किया गया है। पिंक विल्ला की पूजा धर ने अपने लेख में उन्हें सबसे जो है साथ ही विनम्र और जमीन से जुड़े हुए भारतीय अभिनेताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया। सितंबर 2020 में प्रभास ने साथी जो है इनकी खजी पल्ली साथी रिजर्व और फॉरेस्ट में जो है 1650 एकड़ जो है भूमि को अपनाया था और अपने जो है दिवंगत पिता के नाम पर इको पार्क के विकास के लिए अतिरिक्त दान भी किया था। दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे प्रभास सर की फिल्म राधे श्याम मूवी को और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर वीडियो में हाजिर हुए हैं। आपको बता दें, इस फिल्म को 350 करोड़ के बजट में बनाया गया और फिल्म ने अब तक 200 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया है। तो आपको इस वीडियो में ये मूवी की रिव्यू देखने को मिलता है। आपको बता दें, हम यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, हम यहाँ पर सिर्फ मूवी की रिव्यू करते हैं, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही बताते हैं। राधे कृष्ण कुमार सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की कहानी खुद इन्होंने ही लिखा है।
फिल्म में 1975 की कहानी को दिखलाया गया है। तेलुगु और हिंदी भाषा में एक साथ फिल्म को रिलीज किया गया है। दोस्तों इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है प्रभास, पूजा हेगड़े। इस फिल्म में आपको इन दोनों का अभिनय देखने को मिलता है। टी सीरीज फिल्म के बैनर के तहत फिल्म को प्रोडक्शन किया गया है। फिल्म 11 मार्च 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज हुआ है। फिल्म की जितनी भी गाने हैं साथ ही अमाल मलिक एंड मिथुन सर ने मिलकर तैयार किए। दोस्तों बता दें मिथुन सर जो है एक बहुत बड़े गीतकार है, जो कि कई सारे फिल्मों को अब तक जो है इन्होंने कई सारे फिल्मों में इन्होंने गाने को तैयार किए हैं। मिथुन शर्मा ने इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं। दोस्तों प्रभास सर इस फिल्म में एक अलग अभिनय करते हैं, जो कि लोगों को हाथों और भविष्यवाणी करने का इनका जो शौक होता है फिल्म में। और 11 मार्च 2022 को फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपको पता है इस वीडियो में रिव्यू कर रहे हैं हम प्रभास सर की रियल लाइफ को, दोस्तों बता रहे हैं इनसे जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पूजा हेगड़े मैम के बारे में। पूजा हेगड़े ने अब तक जो है कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में और टॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू कर चुकी है। दोस्तों आपको बता दें इन्होंने अपनी फिल्मी करियर को स्टार्ट किया है बहुत दिन पहले। इसमें आपको काफ़ी अननोन फैक्ट जानने को मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। पूजा हेगड़े की जन्म के बारे में हम बातें करते हैं। 13 अक्टूबर 1990 को इनका जन्म हुआ था और इनका 31 साल की ये हो चुके हैं और साउथ की कई सारी फिल्मों में दिखाई दे चुके हैं और साउथ के सुपरस्टार एक्टर भी इनको कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रभास सर की फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें पूजा हेगड़े मैम ने भी अभिनय किए हैं। पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर को हुआ था। 1990 में इनका जन्म हुआ था। एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडलिंग करती हैं, जो कुछ हिंदी और तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं। वसीमा अवार्ड की प्राप्तकर्ता मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 प्रतियोगिता में उन्हें सेकेंड रनर अप के रूप में ताज पहनाया गया था। उन्होंने तमिल फिल्म जो है माई स्किन और साथ ही मुगा मुडी फिल्म 2012 से अपनी जो है शुरुआत की। उन्होंने ओका लैला और कोशम फिल्म 2014 में नागा चैतन्य सर के साथ तेलुगु फिल्म की शुरुआत की। 2016 में उन्होंने आशुतोष ग्वारिकर की मोहनजोदारो फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ हिंदी फिल्म की शुरुआत की। सबसे बाद में उन्होंने दुआदा जगन्नाथम फिल्म 2017 के अरविंद जो है यानी कि समीता बीरा राघव फिल्म 2018, महर्षि फिल्म 2019, साथी हाउसफुल 4 फिल्म 2019 और अल्लाह जो है यानी कि अल्लाह वाई कुंटापुरा मल्लू फिल्म 2020 जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। पूजा हेगड़े का जन्म पालन पोषण मुंबई महाराष्ट्र में एक तुल्लू भाषी बंद परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता साथी मजबूनाथ हेगड़े और लता हेगड़े हैं। वह मूल रूप से जो है यानी कि उडुपी कर्नाटक के रहने वाली है। उसका एक बड़ा भाई है ऋषभ हेगड़े, भी है एक जो है यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। साथ ही उदाहरण जो वाचिन करें तुल्लू के अलावा वह कन्नड़ अंग्रेजी हिंदी और तमिल में साथ ही धारा प्रवाह करते हैं। बाद में उन्होंने तेलुगु सिनेमा में करियर बनाने के बाद तेलुगु भाषा से की। वह एमएम कॉलेज गई, जहां वह नियमित रूप से नृत्य और फैशन शो में भाग लेती है। दोस्तों आपको बता दें वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे राधेश्याम फिल्म को, जिसे रिलीज कर दिया गया है। इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर हाजिर हुए हैं। आपको इस वीडियो में इस मूवी की फैक्ट जानने को मिलेगा। हाँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको कोई भी फिल्म अपलोड किया हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी गलत एक्टिविटी को नहीं बतलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ जो है यानी कि पर्पज़ के लिए है, यानी कि यूजल और जानकारी पर्पज़ के लिए ये वीडियो है और हम लोग यहाँ पे कोई भी ऐसा गलत एक्टिविटी नहीं करते हैं। दोस्तों हमें यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जो है हम यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बना सकते हैं। पूजा हेगड़े ने मिस इंडिया 2009 में प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन मिस इंडिया टैलेंटेड 2009 में सम्मानित जीतने के बाद जो है शुरुआती दौर में ही बाहर हो गई थी और उसने अगले वर्ष फिर से जो है छाती आवेदन किया था और मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 प्रतियोगिता में दूसरी उप विजेता रही थी, जबकि सहायक प्रतियोगिता में मिस इंडिया साउथ और साथ ही ग्लैमर शहर 2010 का ताज भी इन्होंने जीता। उन्होंने साथ ही माँ स्क्रीन की तमिल और सुपर हीरो फिल्म जो है मुगा मुदी 2012 में जीवा के साथ अभिनय की शुरुआत की, जिसमें एक मज़ेदार लड़की शक्ति की महिला प्रधान चित्र को चित्रित किया गया है, क्योंकि समाज पर अपना जो है दृष्टिकोण बदलने के लिए पुरुष नेतृत्व को प्रेरित करती है।
मेस्किन ने अपनी जो है प्रतियोगिता की सफलता से इस तीर जो है इनकी तस्वीरें देखने के बाद उसे जो है चुना गया था और पूजा हेगड़े ने अंग्रेजी में शब्द को लिखकर और याद करके फिल्म के लिए तमिल संवाद का अभ्यास करने में मदद की। यह कहते हुए कि तमिल और उनकी मूल भाषा तुलु के बीच जो है समानता भी उपयोग थी और रिलीज से पहले ही फिल्म ने तमिल फिल्मों में एक जो है सुपर हीरो के साथ उपन्यास विषय के परिणाम स्वरूप उच्च यानी कि उम्मीदें हासिल की गई थी और फिल्म ने अगस्त 2012 में बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। हालांकि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली जिससे जो है बाधा उत्पन्न हुई थी इसकी प्रगति और फिल्म एक जो है इनका आश्चर्यजनक व्यावसायिक विफलता मूवी बन गई थी। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को sifi.com के एक आलोचक के साथ जो है मिश्रित समीक्षा भी मिली थी जिसमें से उन्होंने कहा है कि वह निराशा दिखती है। हालांकि द हिंदू के एक जो है आलोचक ने कहा है कि उनके पास जो है प्रतिभा प्रदर्शन के लिए बहुत जो यार की अधिक गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ तमिल के लिए नामांकन अर्जित किया है। दूसरे साउंड जो है इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड में पहली बार जो है महिला अभिनेत्री लेकिन लक्ष्मी मेनन से ये हार गई थी और 2014 से लेकर 2019 तक के बारे में अब हम बात करते हैं। तेलुगु और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली पूजा हेगड़े की दूसरी फिल्म रिलीज हुई तेलुगु फिल्म ओका लैला कोसम फिल्म 2014 में उनके साथ जो है नागा चैतन्य भी दिखाई दिए थे। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उनकी प्रशंसा की गई थी। लगभग उसी समय जो है उन्होंने 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार भी दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया था एक प्रोडक्शन हाउस के बाद और निर्देशक जो है विजय कोंडा के पिछले उद्यम की सफलता ने उन्हें इसी परियोजना पर काम करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने प्रमुख महिला भूमिका निभाने में मदद करने के लिए तेलुगु सबक लिया था और अपने जो है दूसरी तेलुगु फिल्म में पूजा हेगड़े ने मुकंद 2014 के गोपी कम और साथी फिल्म के गीत में अपने जो है यानकी यादगार प्रदर्शन से कई लोगों को प्रभावित किया था। यह एक रोमांटिक एक्शन कहानी मूवी थी जो 2014 के अंत में रिलीज हुई थी। एक गाँव की पृष्ठभूमि पर आधारित मूवी थी। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे राधेश्याम मूवी को और इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोग को पता है हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते या तो आप लोगों को पता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं राधेश्याम मूवी को जिसे 11 मार्च को रिलीज़ किया गया था सिनेमाघरों में। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देख चुके हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं। जुलाई 2014 में पूजा हेगड़े ने सिंधु घाटी जो यानी कि सभ्यता की पृष्ठभूमि के खिलाफ जो है आशुतोष गोवारिकर की पीरियड फिल्म जो है मोहनजोदारो में ऋतिक रोशन के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के लिए शर्तों पर सहमति व्यक्त की थी। गोवारिकर की पत्नी ने उन्हें एक विज्ञापन में देखा और उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया था जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया था। उसके बाद जो है उनका चयन किया गया था। फिल्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के परिणाम स्वरूप उसने जो है खुलासा किया कि वह अपनी हिंदी फिल्म के रिलीज होने तक जो है क्षेत्रीय भारतीय फिल्मों में काम करने से एक ब्रेक लेगी और साथ ही मणिरत्नम धारा निर्देशित की गई फिल्म में काम करने के साथ अवसर को जो है अस्वीकार कर दिया। मोहनजोदारो फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी जिससे जो है आलोचकों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर प्रमुख फ्लॉप रही थी। 2017 में वह अभिनेता अल्लू अर्जुन सर के साथ तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन कॉमेडी फिल्म दुव्वादास जगन्नाथम में दिखाई दी। 2018 में हेगड़े ने 3 तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया। पहली अवधि एक्शन जो है रंगास्त्रम फिल्म के लिए साथी जो है जिगिल्लू रानी गीत में एक जो है विशेष उपस्थिति में दिखाई दी है। बाद में जो है इनके साक्ष्यम में साथी विलमकोंडा श्रीनिवास पर और त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित की गई एक्शन ड्रामा और बिंदल समीथा बीरा राघव के साथ जूनियर NTR के साथ 2019 में भी उन्होंने 3 फिल्मों में अभिनय किया था जो महर्षि गडालकोंडा गणेश और हाउसफुल 4 फिल्म में दिखाई दी है। महर्षि महेश बाबू द्वारा सह अभिनीत वामसी पेडीपल्ली द्वारा निर्देशित की गई एक तेलुगु फिल्म है। रिलीज होने पर इसे जो है मिश्रित समीक्षाएँ मिली। उसी वर्ष उनकी दूसरी तेलुगु फिल्म एक्शन थ्रिलर जो है यानी हरीशंकर निर्देशित की गई एक्शन थ्रिलर फिल्म जो है गडालकोंडा गणेश मूवी थी जो 2014 की तमिल भाषा की फिल्म जो है जिगर ठंडा की रिमेक थी जिसमें उनके साथ जो है यानी कि वरुण तेज और
और अथर्व थे। हेगड़े ने 3 साल के अंतराल के बाद जो है फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित साजिद नदीदवाला की कॉमेडी फिल्म के साथ जो है बॉलीवुड में वापसी की, जिसमें उन्हें राजकुमारी माला और पूजा पुनर्जन्म के रूप में इनको दिखाया गया था, जिसने दुनिया भर में 280 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किया था। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम रिव्यू करके बता रहे हैं राधे श्याम फिल्म को, जिसे 2022 11 मार्च को रिलीज किया गया है सिनेमा घरों में। आपको बता दें इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर देना। उनकी 2020 की तेलुगु भाषी की एक्शन ड्रामा फिल्म जो है अल्लू वेंकटपुरमल्लू अल्लू अर्जुन सर के साथ और त्रिविक्रम धारा निर्देशित की गई डीजे के बाजुए दूसरी बार अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उनके सहयोग को चिन्हित करती है। द्वादश जगन्नाथम फिल्म 2017 और अरविंदा समिता बीरा राघव फिल्म 2018 के उनके प्रदर्शन पर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने लिखा है कि पूजा हेगड़े एक ऐसी चरित्र में सांस लाने का प्रबंध करती है जो एक जो है उम्मत और साथ ही जो है पिक्सी ड्रीम गोल से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से ऑन स्क्रीन देखने के लिए एक खुशी खुशी दिखती है। यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई, जिसने 250 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए थे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिनेमा पुरस्कार शामिल थे। तेलुगु शामिल है 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल एकी नेनी के साथ जो है साथी बोम रिल्लू भास्कर द्वारा निर्देशित की गई मोस्ट एलिजिबल बैचलर फिल्म में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक जो है स्टैंड अप कॉमेडियन की भूमिका निभाई थी। 2022 में हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित की प्रभास सर के साथ बाहुबाशी अवधि की मूवी रोमांस फिल्म राधे श्याम में अभिनय किया है, जिसकी रिव्यू वीडियो में हम कर रहे हैं। उनकी अगली परियोजनाओं में चिरंजीवी और रामचरण के साथ जो है साथी जो है कुराताला शिव निर्देशक फिल्म जो है आचार्य रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित की गई हिंदी फिल्म जो है सरकोश शामिल है, जहां वह रणबीर सिंह के साथ जो है एक महिला की भूमिका निभा रही है, और विजय सर के साथ जो है तमिल फिल्म बिस्ट जो उनकी वापसी को चिन्हित करेगी। तमिल सिनेमा के 9 साल बाद जो है फरवरी 2020 में पूजा हेगड़े को सलमान खान की आगामी फिल्म जो है कभी ईद कभी दिवाली में कास्ट किया गया, जिसका निर्देशन जो है फरहाद सामजी ने किया था, जिसे जो है बाद में भाईजान के नाम से जाना गया। अगस्त 2021 में यह घोषणा किया गया है कि वह महेश बाबू और त्रिविक्रम श्रीनिवास सर के साथ जो है अगली फिल्म में दिखाई देंगी, जिसमें जो है महेश के साथ जो है दूसरी बार और त्रिविक्रम सर के साथ लगातार तीसरी बार सहयोग की है। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे राधे श्याम फिल्म को, जिसे 2022 में रिलीज किया गया है। इस फिल्म को 350 करोड़ के बजट में बनाया गया। फिल्म ने अब तक जो है सिर्फ 200 करोड़ की ही कमाई किया है। इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 300 से लेके 400 तक की कमाई करने होंगे। जब ये मूवी 400 तक कमाई कर लेगा तो ये फिल्म जो है हिट साबित हो सकता है, क्योंकि फिल्म का बजट जो है काफ़ी ज़्यादा है। 350 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया है। फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है प्रभास एंड पूजा हेगड़े, राधा कृष्णा कुमार सर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, और इस फिल्म की कहानी भी राधा कृष्णा कुमार सर ने ही लिखे हैं। दोस्तों आप लोग को पता है हमारे इस YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, ये मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 1970 की कहानी को इस फिल्म में दिखलाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड कहानी को इस फिल्म में दिखाया, जो कि यूरोप में 1970 द फिल्म टेल स्टोरी ऑफ द विक्रमादित्य एंड पलमिस्ट हुदा एंड बटवीन डिस्नी एंड हिज द लव फॉर द एंप्रेना। राधा कृष्ण कुमार फिल्म के लेखक एंड फिल्म के डायरेक्टर है, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं भूषण कुमार सर, वामसी प्रमोद सर एंड परशिदा सर ने भी फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस किए हैं। दोस्तों बतला दें प्रभास सर ने फिल्म में काफ़ी एक अलग किरदार निभाए हैं। राधा कृष्ण कुमार सर ने इनको 2017 में ही साइन कर लिया था, बाहुबली की शूटिंग के दौरान ही फिल्म के लिए इनको साइन ऑफ कर लिया गया था। फिल्म को ए फिल्म एंड रेड जो है गांट मूवी
तमिल में इसको डब किया है, साथ ही जो है मलयालम भाषाओं में भी इस फिल्म को डब किया गया है। 350 करोड़ के खर्च पे फिल्म को बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और राधेश्याम फिल्म को और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही बता रहे हैं। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, यह तो आप लोग को पता है। दोस्तों हम बात करेंगे इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है अमाल मलिक। इनके जन्म के बारे में हम बातें करते हैं, 16 जून 1990 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अब तक कई सारे साउथ की तेलुगु फिल्मों में जो है साउंड ट्रैक को जो है तैयार कर चुके हैं। दोस्तों बतलाएंगे इनके रियल लाइफ को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अमाल मलिक संगीत निर्देशक जो है डब्बू मलिक और ज्योति मलिक से पैदा हुए हैं, दो बच्चों में बड़े हैं। उनका जन्म 16 जून 1990 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने जमनाबाई नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई की और मुंबई के एनएम कॉलेज से जो है यानी कि बैचलर ऑफ जो है कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। वह गायक अरमान मलिक के भाई हैं। उन्होंने 18 साल की उम्र में संगीत जो है सीखना शुरू कर दिया था और उन्हें जो है पियानो पसंद था और उन्होंने पियानो का अध्ययन किया था और बेनी के साथ जो है साथी जेबिरल और फर्नांडिस जो है टोनी पिंटो और जो बोस सहित जो है यानी कि शिक्षकों से प्राप्त जो है यानी कि मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के तहत जो है ट्रिनिट कॉलेज ऑफ द म्यूजिकल और साथ ही वेस्टर्न जो है क्लासिक जैज के साथ जो है एंड रॉक में अपना जो है यानी कि पाठ्यक्रम पूरा किया था। उन्होंने अपने दादा यानी कि सरदार मलिक के संघर्ष में अनौपचारिक रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण भी इन्होंने लिया है। मलिक ने अपने जो है करियर की यात्रा कम में जो है यानी कि उम्र में शुरू की थी और अपनी 10वीं जो है कक्षाएँ पूरी करने के बाद उन्होंने 15 साल की उम्र में सरकार 2005 और शूट आउट मूवी एट जो यानी कि लोखंडवाला 2007 के साउंड के लिए तुरंत संगीतकार और पृष्ठभूमि स्कोर अमर मोहिले की सहायता की थी। बाद में संगीत का निर्माण और व्यवसायिक करने के लिए आगे बढ़े थे। साथ ही सुहेल खान की किसान फिल्म 2009 जैसी फिल्मों में पिता, जिसके लिए उन्होंने पॉप गायक इनके दलेर और मेहंदी के साथ जो है मेरे देश की धरती के रिमिक्स यानी कि ट्रैक पर सहयोग किया गया था। 2008 से 2011 तक मलिक ने रावदी राठौर जैसी आर राजकुमार और साथ ही साहेब बीवी और गैंगस्टर साथ ही रिटर्न जो है हीरोइन और साथ ही यंगिस्तान अब तक की यानी कि 56 और फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी फिल्मों के लिए संपदी और साथ ही चोटा और उनके साथ जो है सलीम सुलेमान के लिए पृष्ठभूमि स्कोर का निर्माण किया गया था। एकल पृष्ठभूमि स्कोर के रूप में उनका पहला प्रदर्शन साइन ऑफ किया गया था, जो कि शीर्ष और साथ ही बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के जीवन पर एक जो है यानी कि बायोपिक मूवी थी। 2014 में उन्होंने एक जो है संगीतकार के रूप में शुरुआत की। उन्होंने सलमान खान की फिल्म जय हो के लिए 3 गाने और खूबसूरत के लिए 1 गाने की रचना भी की थी। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे राधेश्याम फिल्म को और इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को वीडियो में हम बता रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2.5 स्टार की रेटिंग दी है और जिसमें जो है बताया गया है कि निर्देशक जो है यानी कि करुणा करण अपने और अभिनेताओं के साथ जो है अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक ताज़ा और साथ ही कथानक के साथ जो है नहीं आ सकते हैं। ऐसा लगता है कि निर्देशक जो है यानी कि वास्तव में अपने थोली और साथ ही प्रेमा हैंग ओवर से बाहर नहीं आए हैं। वह अभी तक एक और भी यानी कि एक तरफा प्रेम कथा और साथ ही तैयार करते हैं, लेकिन अंतिम क्षण जो है अपने साथी प्रेमी के लिए अपनी भावनाओं को वापस रखने के लिए एक जेन जेड बालक को जो है बचाने के लिए एक वैध और साथी तार्किक कारण के साथ जो है अपने में विफल रहते हैं। हालांकि वह भार और साथी जोड़ करके इसी यानी कि भरपाई करते हैं। फिल्म और पटकथा में मजेदार क्षणों में जो है कुछ यानी कि मर्मिक क्षणों का हिस्सा होता है। 2011 में वह जो है मिस्टर परफेक्ट फिल्म में अभिनय किए एक और रोमांटिक कॉमेडी में दिखाई दिए। समीक्षा साइट ग्रेट आंध्रा ने 3 सितारों के साथ फिल्म का मूल्यांकन किया था और कहा कि फिल्म एक यानी कि साफ यानी कि पारिवारिक और मनोरंजन फिल्म के रूप में सामने आती है और निर्माता के इरादे के सराहना भी इस फिल्म में की जानी चाहिए थी। दोस्तों प्रभास सर के फैन इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि राधेश्याम फिल्म को इंडिया में बहुत जल्द रिलीज़ किया जाएगा। जितने भी फैन
इंडिया है, इनकी फिल्मों को देखने के लिए काफी लंबे से वेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड, अगर आप भी मेरे तरह राधे श्याम फिल्म का वेट कर रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं राधे श्याम फिल्म के बारे में, कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। 2012 में प्रभास शर्ण ने राग हुआ साथ ही लॉरेंस द्वारा निर्देशित एक जो है एक्शन फिल्म रिबेल में अभिनय किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथी रशि धर ने कहा है कि यह फिल्म प्रभास सर के कट्टर प्रशंसकों की, क्योंकि यह फिल्म जो है स्टार स्टाइलिश और साथ ही दृष्टि में ज्यादा साथी यानी कि समृद्धि है लेकिन सामग्री में ज्यादा नहीं है। NDTV से इसके साथ जो है पूर्णिमा और साथ ही रनावत ने कहा है कि विद्रोही दर्शकों के लिए किराया प्रदान करता है। फिल्म निश्चित रूप से प्रभास सर के प्रशंसकों द्वारा पसंद की जाएगी और तमन्ना भाटिया की नृत्य प्रतिभा और साथ ही प्रशंसा साथ ही प्रभास सर के एक्शन और कौशल के साथ जो है लिए देखे जाएंगे। रणदीप से राधिका साथ ही रश्मीन ने .com ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए है और कहा है कि शायद ही किसी कहानी के साथ काम करते हुए निर्देशक राघव और साथ ही लॉरेंस ने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे जो है देखना कठिन है। विद्रोही जनता के लिए एक फिल्म है और निश्चित रूप से जो यानी कि समझदार लोगों के लिए नहीं है। साथ ही दर्शक उन्होंने फिल्म और साथ ही डैनी कैना रेड्डी 2012 के लिए एक लघु कैमियो के लिए आवाज भी दे दी। 2013 में प्रभास शर्मा ने मिर्ची में अभिनय किया था। idealbrain.com ने जीव ने 5 में से 3.25 की रेटिंग दी है। यह टिप्पणी करते हुए कि मिर्चा फिल्म का पहला भाग अच्छा है और साथ ही फ्लैशबैक एपिसोड जो कि सेकेंड हाफ का 100 जो हिस्सा लेता है यह अच्छा है और साथ ही क्लाइमेक्स जो है बेहतर हो सकता था। फिल्म के साथ ही जो है यानी कि प्लस पॉइंट ये था कि प्रभास शर्मा इस फिल्म में संगीत और साथ ही उनके साथ जो है अभिविन्यास कुल जो है मिलाकर मिर्ची में एक जो है उनके साथ जो है मनीष जीयक मूवी था। साथ ही पॉट बायल उनके साथ जो है पॉट बायल की सभी जो है सामग्रियाँ हैं और उनके साथ महेश एस उनके साथ जो है कुरू ने अपना यानी कि फैसला सुनाया कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एक जो है अच्छे और साथ ही व्यावसायिक प्रदर्शन में बदल जाएगी जिससे जो है फिल्म को 3.25 का रेटिंग मिला है और साथ ही Y2 मूवीज ने भी 3.25 की रेटिंग दी है। यह फैसला देते हुए कि प्रभास शर्मा ने इसी साथ ही जो है यानी कि सव्य लेकिन यानी कि फॉर्मूले और साथ ही वनीत जीक और मनोरंजन में जो है शो को हिला दिया है और सुपर गुड मूवीज ने जो है फिल्म को 5 में से 5 के पैमाने पर 3 स्टार की रेटिंग दी है और ये समीक्षा करते हुए कि गो एंड और साथ ही वास मिर्ची यह फिल्म जो है क्लास और मास दोनों का मनोरंजन करता है, यह देखने लायक है। और प्रभास शर्मा ने 2014 में एक करके हिंदी सिनेमा की शुरुआत की थी। फिल्म एक्शन और साथ ही जैक्सन के आइटम नंबर पंजाबी मस्त में कैमियो भी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं प्रभास शर्मा की फिल्म राधे श्याम को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स कलेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़ी काफी रोमांटिक फैक्ट को भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अब 2015 में प्रभास सर एस.एस. राजामौली के महाकाव्य बाहुबली द बिगनिंग में साथ ही जो है शिबुडू महेंद्र बाहुबली का किरदार निभाया। अमरेंद्र बाहुबली के रूप में दिखाई दिए जो कि अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म ने पैन इंडिया और फिल्म नाम से एक जो है यानी कि नया फिल्म आंदोलन शुरू किया। प्रभास सर ने इसके सीक्वल बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 में अपनी भूमिका दोहराई जो कि केवल 10 दिनों में सभी भाषाओं में डब करके 1000 करोड़ पार कर लिया था और यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 55 मिलियन से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किए थे। 155 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई और दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है आज तक की भारतीय फिल्म। और साथ ही उन्होंने द और साथ ही कंक्लूजन में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का सीमा पुरस्कार जीता था। उन्होंने बाहुबली के किरदार के लिए अपना वजन 105 किलो तक बढ़ा लिया था। 2019 में प्रभास सर ने सुजीत द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर शाहो फिल्म में अभिनय किया था। साथ ही प्रतिकूल समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी फिल्म ने 433 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। जनवरी 2021 तक प्रभास सर की 2 फिल्में निर्माणधीन हुई थी और साथ ही अर्थात
रोमांटिक जो है ड्रामा राधे श्याम मूवी और साथ ही प्रशांत नील द्वारा निर्देशित की गई एक्शन फिल्म सल्लार में दिखाई देंगे। इसके अलावा उन्होंने दो और फिल्में साइन की है, वह हिंदू महाकाव्य रामायण के साथ ही रूपांतरण दी आदि पुरुष फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और निर्देशक ओम राउत ने निर्देशन में बनी इसी फिल्म में सैफ अली खान भी नजर आएंगे। वर्तमान में पुरुष जेट के नाम से नागा अश्विन की बिना शीर्षक वाली विज्ञान 5 फिल्म के लिए भी दीपिका पादुकोण को और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए प्रतिबंध की गई है। उनकी 25वीं फिल्म जो है यानी कि स्पिरिट की घोषणा 7 अक्टूबर 2021 को की गई थी। इसे संदीप रेड्डी गांवा द्वारा निर्देशित किया गया है और जाएगा और यूबी और साथ ही कृष्ण टी सीरीज और साथ ही भद्र काली पिक्चर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम राधे श्याम फिल्म की फुल रिव्यू कर रहे हैं। इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग राधे श्याम फिल्म का वेट कर रहे थे और अगर आप प्रभास सर के फैन हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं राधे श्याम मूवी को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड आप लोग को पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अब मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू करता हूँ और मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में मैं बतलाता हूँ। प्रभास सर जिन्होंने महिंद्रा एंड साथी जो है टी यू बी थ्री हंड्रेड कार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साथ ही अनुबंधित किया गया है, जो 2015 में अपने नए विज्ञापन के साथ टेलीविजन और साथ ही वाणिज्य के क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। वह आम तौर पर अक्सर जो है ब्रांडों का समर्थन नहीं करते हैं। न्यूज 18 ने बताया है कि उन्होंने 2020 में 150 करोड़ के यानी कि ब्रांड एंडोर्समेंट को अस्वीकार इन्होंने कर दिया था। प्रभास सर को अक्सर जो है डार्लिंग या पैन इंडिया स्टार कहा जाता है। उन्हें जो है टाइम्स के मोस्ट और साथ ही डिजाइनरेबल मैन फॉर द ईयर भी कहा जाता है, जो 2017 और 2018 में साथ ही 12वें स्थान पर रखा गया था। फिर उन्हें 2019 में हैदराबाद टाइम्स की साथ ही यानी कि फॉर एवर और साथ ही डिजाइनरेबल सूची में जोड़ा गया था। वह वर्ष 2019 के लिए साथ ही जो है कर्नाटक में गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले अभिनेता थे और वह जो है पत्रिका और साथ ही ईस्ट टर्न आई की 2019 की 10 सबसे सेक्सी एशियाई पुरुष की सूची में शामिल होने वाले दक्षिण सिनेमा के एकमात्र अभिनेता है। उन्हें 2017 के सबसे प्रभावशाली युवा भारतीय की सूची में शामिल किया गया है। जी क्यू में भी शामिल किया गया था और 2021 में उन्हें जो है यानी कि फैंसी और साथ ही आर्ट्स वार्षिक सूची में मोस्ट और साथ ही हैंडसम जो यानी कि एशियन मेल के रूप में नामित किया गया है। साथ ही पिंक बीला की पूजा धर ने अपने लेख में उन्हें जो है सबसे विनम्र और साथ ही जमीन में जुड़े हुए जो है भारतीय अभिनेताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया है। सितंबर 2020 में प्रभास ने साथ ही यानी कि खजी पल्ली रिजॉर्व में जो है यानी कि उनके साथ जो है फॉरेस्ट में 1650 और साथ ही एकड़ भूमि को जो है अपनाया है और अपने जो है यानी कि दिवंगत पिता के नाम पर जो है यानी कि इको और पार्क के विकास के लिए जो है अतिरिक्त जो है दान दिया है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं प्रभास सर की फिल्म को। इस फिल्म का नाम है राधे श्याम और इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग राधे श्याम फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने अभी अपलोड नहीं किया है। इस वीडियो में हम इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इस फिल्म की एक और लीड लेडी के बारे में जिनका नाम है पूजा हेगड़े। इस फिल्म में इन्होंने प्रभास सर की प्रेमिका के किरदार को निभाई है और ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगु भाषा में एक साथ डब करके रिलीज किए जाएंगे, जो इंडिया में आपको ये सारी फिल्में एक साथ देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर 1990 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेत्री है और मॉडलिंग करती है, जो मुख्य रूप से तेलुगु और हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। वह सिनेमा अवार्ड की प्राप्तकर्ता है और मिस यूनिवर्स
वर्सिटी इंडिया 2010 प्रतियोगिता में उन्हें जो है सेकेंड रनर अप के रूप में ताज पहनाया गया था। उन्होंने तमिल फिल्म और साथी माई स्किन इज द और साथी मगा मुंडी फिल्म 2012 से अपनी शुरुआत की है। उन्होंने ओका लैला और साथी कुसम फिल्म 2014 में नागा चैतन्य के साथ तेलुगु फिल्म की शुरुआत की थी। 2016 में उन्होंने आशुतोष गुवारिकर की साथी जो है मोहन जोड़ो में ऋतिक रोशन के साथ हिंदी फिल्म की शुरुआत की। पूजा हेगड़े का जन्म पालन पोषण मुंबई महाराष्ट्र में एक तेलुगु और साथी भाषी बंद परिवार में हुआ था। उनके माता पिता साथी जो है यानी कि मंजूनाथ हेगड़े है और लता हेगड़े भी है और वह मूल रूप से साथी जो है उडुपी और साथी कर्नाटक के रहने वाले हैं। उनका एक बड़ा और साथी भाई जो यानी कि ऋषभ हेगड़े है और एक जो है यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उदाहरण वंचित के बारे में बातें करते हुए साथी तुलु अंग्रेजी और साथी हिंदी फिल्म जो यानी कि धारा वह में नजर आई है। वह एमएम के कॉलेज गई है जहां उन्होंने नियमित रूप से नृत्य और फैशन शो में भाग लिया है। साथ ही लॉस काज के रेड पार्केट इवेंट में हेगड़े ने उनके साथ हेगड़े ने मिस इंडिया 2009 में प्रतियोगिता में भाग लिया है और लेकिन मिस इंडिया साथ ही टैलेंटेड 2009 सम्मान जीतने के बावजूद भी साथ ही शुरुआती दौर में ही बाहर हो गई थी। इसने जो है अगले वर्ष फिर से जो है यानी कि आवेदन किया है और मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 प्रतियोगिता में दूसरी साथी उप विजेता रही है, जबकि सहायक और साथी प्रतियोगिता में मिस इंडिया साउथ और साथी ग्लैमर्स हेयर 2010 का ताज इन्होंने पहना है। और इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत जो है यानी कि माई स्क्रीनिंग की तमिल साथी सुपर हीरो फिल्म और मूका मोदी फिल्म 2012 में जीवा के साथ की थी, जिसमें शक्ति की महिला और साथी प्रधान चरित्र को चित्रित किया गया है जो एक जो है यानी अमेज़न लड़की है जो समाज पर जो है अपना और दृष्टिकोण बदलने के लिए पुरुष नेतृत्व को प्रेरित करती है। मैसिक ने अपनी जो है प्रतियोगिता की सफलता से जो है स्थिर और साथी उनके साथ जो है तस्वीरें देखने के बाद उसे जो है चुना गया था और हेगड़े ने अंग्रेजी में शब्द को लिख कर और याद करने के फिल्म के लिए तमिल और साथी शनवाद का अवलोकन करने में मदद की है और यह कहते हुए कि तमिल और उनकी मूल भाषा तुलु के बीच जो यानी कि समानता भी है और उपयोग भी थी। रिलीज से पहले ही फिल्म ने तमिल फिल्मों में एक जो है सुपर हीरो के उपन्यास विषय के साथ ही जो है यानी कि परिणाम स्वरूप और उच्च यानी कि उम्मीदें हासिल की थी और फिल्म ने अगस्त 2012 में बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी। हालांकि फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा के रूप में लिया गया था और मिश्रित तमिल उनके साथ जो है जिसके बाद उत्पन्न हुई थी। इसकी अवसाथी उनके साथ जो है प्रगति और फिल्म एक जो है आश्चर्यजनक व्यवसाय की विफलता फिल्म बन गई थी। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को sifi.com के एक आलोचक के साथ जो है मिश्रित समीक्षा भी मिली, जिसमें उन्होंने कहा कि वह निराशा है। हालांकि द हिंदू के एक आलोचक ने कहा है कि उनके पास जो है प्रतिभा प्रदर्शन के लिए बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ तमिल के लिए नामांकन अर्जित किया है दूसरे साउंड इंडिया और इंटरनेशनल मूवीज अवार्ड में। पहली महिला और अभिनेत्री शामिल हुई है लक्ष्मी मेनन से हार गई थी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं पूजा हेगड़े एंड प्रभास सर की फिल्म राधे श्याम को। इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग पूजा हेगड़े के फैन हैं, इनके मूवीज को आप देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पूजा हेगड़े की दूसरी फिल्म रिलीज तेलुगु फिल्म ओका लैला मूवी था। कोसम फिल्म 2014 में उनके साथ जो है लगातार नागा चैतन्य दिखाई दिए थे। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उनकी प्रशंसा की गई थी और लगभग जो है उसी समय उन्होंने 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार में दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया था और एक प्रोडक्शन हाउस के बाद जो है और साथ ही निर्देशक विजय कोंडा के पिछले उद्यम की सफलता ने उन्हें जो है इसी परियोजना पर काम करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने प्रमुख महिला और भूमिकाओं के चित्रित करने में मदद करने के लिए तेलुगु और साथी जो है सबक लिया था। अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म में पूजा हेगड़े ने मुंकुट 2014 के गोपी कम्मा फिल्म और साथी गीत में अपने यादगार प्रदर्शन से जो है की थी और लोगों को प्रभावित किया है। यह एक रोमांटिक एक्शन कहानी मूवी थी जो 2014 के अंत में रिलीज हुई थी और एक गाँव की पृष्ठभूमि पर आधारित मूवी थी। जुलाई 2014 में पूजा हेगड़े ने सिंधु
घाटी साथी झुरानी की सभ्यता की पृष्ठभूमि के खिलाफ जो है शुरुआत में आशुतोष गोवारिकर की पीरियड फिल्म मोहनजोदारो में जो है ऋतिक रोशन के साथ जो है बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने की शर्तों पर सहमत व्यक्त की थी। गोवारिकर की पत्नी ने उन्हें जो है एक विज्ञापन में देखा और उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया था, जिसे जो है उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया और उसके बाद उनका चयन किया गया था। फिल्म के प्रति अपनी जो है प्रतिबद्धताओं के परिणाम स्वरूप उसने जो है यानी कि खुलासा किया कि वह अपनी हिंदी फिल्म के रिलीज होने पर क्षेत्रीय भारतीय फिल्मों में काम करने से जो है एक ब्रेक लेगी और अवसाथी मणि रत्नम धारा जो है निर्देशित फिल्म में काम करने के अवसर को अस्वीकार कर दिया था। और 18 अवसाथी मोहनजो धारा 2016 में रिलीज हुई थी, जिसे जो है आलोचकों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर प्रमुख फ्लॉप रही थी। 2017 में वह अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ तेलुगु भाषा की साथ ही सतर्क एक्शन कॉमेडी फिल्म जो है यानी कि दुआदा और साथ ही जगन्नाथम में दिखाई दी थी। 2018 में हेगड़े ने 3 तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया। पहली अवधि एक्शन और साथ ही रंगास्थलम के लिए जिगेलु और रानी गीत में एक जो है विशेष उपस्थिति है। बाद में जो यानी कि सक्षम में जो है उनके साथ बेबल साथ जो है बेलमकोंडा और श्रीनिवास के साथ और विक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा और विंदा और साथ ही समिता बीरा राघव के साथ जो है जूनियर NDR के साथ इन्होंने काम किया था। 2019 में भी उन्होंने 3 फिल्मों में अभिनय किया, जो कि महर्षि और साथी गडालकोंडा, गणेश और हाउसफुल 4 में दिखाई दी है। महर्षि महेश बाबू धारा सह अभिनीत वापसी पेडी पल्ली धारा निर्देशित की गई एक तेलुगु फिल्म है। रिलीज होने पर इसे मिश्रित समीक्षा मिली। उसी वर्ष उनकी दूसरी तेलुगु फिल्म एक्शन थ्रिलर हरीश शंकर द्वारा जो है निर्देशित की गई एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। साथ ही गडालकोंडा गणेश की मूवी थी, जो 2014 में तमिल भाषा की फिल्म जो है जिगर ठंडा की रीमेक मूवी थी, जिसमें जो है उनके साथ जो है वरुण तेज और साथ ही अर्थवर में नजर आए थे। पूजा हेगड़े ने 3 साल के अंतराल के बाद जो है फरहाद सामजी धारा निर्देशित साजिद नदीदवाला की कॉमेडी फिल्म के साथ जो है बॉलीवुड में वापसी की, जिसमें उन्हें जो है राजकुमारी माला और पूजा पुनर्जन्म के रूप में दिखाया गया है, जिसने जो है दुनिया भर में 280 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। दोस्तों, प्रभास सर की फिल्म को इस वीडियो में रिव्यू करें राधेश्याम फिल्म को, जिसे अभी रिलीज नहीं किया गया है। अगर आप लोग इस फिल्म का वेट कर रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट वो बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब 2020 में पूजा हेगड़े की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म तला और साथ ही वेंकुट पुरा मुल्लू फिल्म था। ये मूवी अल्लू अर्जुन के साथ और त्रिविक्रम धारा निर्देशित की गई डीजे के बाद दूसरी बार अल्लू अर्जुन के साथ और त्रिविक्रम दोनों के साथ उनके सहयोग को चिन्हित करती है। साथ ही दुआदा और जगन्नाथ फिल्म 2017 की और साथ ही अरविंदा समिता बीरा राघो फिल्म 2018 की उनके प्रदर्शन पर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने लिखा है कि पूजा हेगड़े के लिए ऐसे चरित्र में साहस लाने का प्रबंधन करती है जो एक यानी कि उन्मत्त और साथ ही पिक्सी ड्रीम बॉल से ज़्यादा जो है यानी कि कुछ नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से ऑन स्क्रीन देखने के लिए एक खुशी है और यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई, जिसने दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिनेमा पुरस्कार तेलुगु शामिल है। 2021 में हेगड़े ने अखिल एगी नेनी के साथ जो है बोमा रिलू भास्कर धारा निर्देशित मोस्ट यानी कि एलिजिबल और साथ ही बैचलर में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ कॉमेडियन की भूमिका निभाई। उनकी आगामी परियोजनाओं में साथ ही प्रभास सर के साथ जो है रोमांटिक बहुभाषी फिल्म राधे श्याम चिरंजीवी और राम चरण के साथ जो है कोरा ताला शिवा धारा निर्देशित फिल्म जो है आचार्य रोहित शेट्टी धारा जो है निर्देशित हिंदी फिल्म थी। साथ ही सर्कस शामिल है, जहां वह जो है यानी कि रणवीर सिंह और साथ ही तमिल फिल्म के साथ एक महिला की भूमिका निभा रही है विजय के सामने जानवर
विजय के सामने जानवर जो 9 साल बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक फिल्म होगा। फरवरी 2020 में पूजा हेगड़े को सलमान खान की आगामी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में कास्ट किया जाएगा। इसकी शूटिंग चल रही है जिसका निर्देशन फरहाद सामजी ने किया है, जिसे बाद में भाईजान के नाम से जाना जाएगा। अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई थी कि हम साथी जो है यानी कि महेश बाबू और त्रिविक्रम श्रीनिवास की आगामी फिल्म में दिखाई देंगी, जिसमें जो है महेश के साथ दूसरी बार और साथी त्रिविक्रम के साथ जो है लगातार तीसरी बार सहयोग की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम राधे श्याम फिल्म की रिव्यू कर रहे हैं। इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड पूजा हेगड़े मैम की रियल लाइफ को भी इस वीडियो में हम बता रहे हैं। पूजा हेगड़े एंड कॉम्पिटेड इन द मिस इंडिया 2009 एंड कॉम्पिटिशन बट वॉज द एन एलिमिनेटेड इन द ईयरली राउंड द एंड डिस्पाइट विनिंग द एन मिस इंडिया एंड टैलेंट 2009 एंड होनर सी द एन अपीलेटेड द फॉलोइंग ईयर एंड वॉज द एन सेकेंड रनर ऑफ इन दिस मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 एंड कॉम्पिटेशन एंड कॉम्पिटिशन विल ऑल्सो बिगिन द एंड क्रो वेन मिस इंडिया साउथ एंड ग्लैमोर्स हेयर 2010 इन subsequently in competition she made her the acting debut is the in my skin movie tamil and superhero film in magamundi 2012 in opposite jeeva and portraying the female lead character of the shakti and fun loving girl who the inspired the male lead to the chance hit the an outlook on the in society she was the and selected the after the my skin has in still the and photographer from here the in pageant success and the Pooja Hegde and helped the and portrayed Tamil and dialogues for the film why the wedding in the memorial scene world in the English edition third the and similarity between Tamil and here the and native the and Tongu Tulu was also the and useful and period to the and related the film the and generated high the and expectation as the end result of the and novel themes of the and superhero in the Tamil and films and the Tamil took and a grand opening at the box office and August 2012 and however the film received the mixed and negative review from the critics and Hem Prem is the in progress and the film ended of the becoming is the surprise comical future the Hegde performance also and received the mixed review with the critics from the shifi.com and getting third the and this present the and thou critics from the and Hindu noted the she don't have a much and scope from the Thailand and displaced see the earned the nomination for best Tamil film and debut the actress and the two and south Indian International Movie Award but lost in the Lakshmi Menon and Pooja Hegde's second film released the Telugu film The Okalela Kosam movie 2014 featured here the opposite Naga Chaitanya and she was the in praised for the her performance the movie and around the same time the and biggest the and nomination for the best actor at the 3062 and Filmfare Awards South following a production and houseful to the production houseful to and the movie is the Kadana Prabhu the and the and under Telugu and lesson the help is the and photo write the and leading female role in the hair second Telugu film and Hegde and impressed by the and many with the and memorable performance in the and Gopi Kamma movie Strong from the El Mukanda 2014 is the was the romantic action tale is the end backdrop of the film release in the late 2014 in the July 2014 Pooja Hegde agreed terms to the make her the Bollywood debut opposite the Hrithik Roshan in the Ashutosh Gavarkar and period film the end Mohenjo Daro set the end against the end backdrop of the film endorsed the end vlog the end KV location she was the end selected after the end Gavarkar wife had the end is putted hair in the ad and in the advertisement and colored hair to the audition with the end successfully completed as the result of where the comment and commitment to the end film the end reflected she and world take it the break from the end operating in the end region and original Indian movie the until here the in Hindi film released
एंड रिजेक्टेड एंड द एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द फिल्म डायरेक्टर एंड डायरेक्टेड बाय द मणि रत्नम एंड मोहनजोदारो रिलीज इन द 2016 विद द वाज द एन पैनेट बाय द क्रिटिक्स एंड द बिकॉम मेजर बॉक्स ऑफिस फ्लॉप इन 2017 सी द अपीयर इन तेलुगु एंड द जगन्नाडु एंड बिगिन इन एक्शन कॉमेडी फिल्म द एंडेवर इन जगन्नाथ मूवी एंड अलॉन्गसाइड एक्टर अल्लू अर्जुन इन 2018 पूजा हेगड फ्यूचर इन द 3 तेलुगु फिल्म द एंड फ्रॉम द स्पेशल अपीयरेंस इन द संग द एंड जिगलू रानी फॉर द एंड पीरियड एक्टिंग द एंड रंगासम लेटर इन द एंड शख्स द अलॉन्ग साइड द एंड बिलमकोंडा एंड श्रीनिवास एंडी एंड 3 विक्रम श्रीनिवास डायरेक्टेड एक्ट एक्शन ड्रामा और फिन द एंड समिता फिर एंड इन द एंड राघव मूवी अपोजिट द एंड जी आर एन टी आर रामा राव इन 2019 टू सी द मेड हेड एंड अपेरियस इन द 3 फिल्म विच आर द एंड महारिषि मूवी एंड गडालकोंडा गणेश इन हाउसफुल फॉर महारिषि एंड तेलुगु फिल्म द डायरेक्टेड by Vamsi and Pindi Pilipo starred by the Bhesh Babu received mixed review and released here the second Telugu film in the same years was the an action thriller The End Harish Shankar and directed by the end action thriller film Gadalkonda Ganesh a remake of the 2014 Tamil language film The End Jigar Thanda future in the Varun Tej and the Atharva along with Heyer the and Pooja Hegde returned to the Bollywood after the gap of the 3 years the and Sajid Nadidwala comedy movie film directed by the and Farhad Samji featuring Heyer the Rajkumar Rajkumari Mala and Pooja the and Liz Kibet the which won to the gross over 280 crore worldwide collection Heyer 2020 Telugu film language action drama film Alla Bhai Kontapura Mallu alongside Allu Arjun and the directed by the 3 Vikram and Mark had the collaboration with the Bhatt Arjun and the entry Vikram for the second time after DJ and Deva Dadu and Jagannadam 2017 and the Arvinda and Samantha and Veera and Raghav 2018 on here the performance the Times of India critics wrote the Pooja Hegde and manages to the end bring in the A-Spong into the character Ted the end nothing more than the end Munis Pixar drama girl Bird see the ensure in the and try to the watch on screen the end film became one of the best highest grossing Telugu film all time the grossing over 250 crore here the performance and faced the here in several award including the Cinema Award for Best Actress Telugu in 2021 Hegde started in the most eligible bachelor movie directed by the end Boma Rillu and Bhaskar the opposite Akhil Akineni with the end play at the role of the end strain of the comedian here the end upcoming project the in cloud the romantic and multi malagun film the Radhe Shyam with the end Prabhas see the end Kurat Tala Shiva in directed by the film Acharya alongside the incident CB and Ram Charan and the Hindi and Creek was directed by the Rohit Shetty where the end is the playing one of the female and lead opposite the Ranbir Singh and the Tamil film based opposite the Vijay with the will mark here the end returned to the Tamil cinema after 9 years and in February 2020 Pooja Hegde was the end cast movie Salman Khan in upcoming film the Kabhi Ek Kabhi Diwali directed by the Farhad Samji which was the later title and Bhaijaan in movie August 2021 was the end announcement with the C will be in appear in the Mahesh Babu and 3 Vikram Srinivas next film the end collaboration with the Mahesh from the second time and 3 Vikram for the third and qualification time the दोस्तों वीडियो में हम बातें कर रहे हैं राधे श्याम फिल्म के बारे में मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे इस वीडियो को डायरेक्ट कर राधा कृष्ण कुमार सर जो मैंने आप लोग को पहले ही बतला दिया है दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन फिल्म होने वाला है मूवी को 2022 में रिलीज किया जाएगा और 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हो सकता है Radhe Shyam movie is the upcoming Indian period romantic drama film written and directed by the Radha Krishna Kumar and starring Prabhas and Pooja Hegde is the shoot in the simultaneously and Telugu and language Telugu and Hindi language तो ये है राधे श्याम फिल्म की रिव्यू अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आज के इस वीडियो में हमने राधे श्याम फिल्म को रिव्यू किया जिसे 17 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था रिलीज होने के बाद फिल्म को कुछ अच्छे रिस्पॉन्स मिले लेकिन फिल्म की बजट भी बहुत ज़्यादा था तो ये मूवी अपने बजट को रिकवर नहीं कर पाया है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी की रिव्यू कर दिया है तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू soon.